वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम नमो लोए सवसाहुणम एचो पंचन मुक्कारो एचो पंचन मुक्कारो सव पावप्पणासनो सव पावप्पणासनो मंगलानं च सवेसिम मंगलानं च सवेसिम पद्मं हवै मंगलम पद्मं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद केशवानंद जी जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। हाँ तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया है आज का यू वांट टू इंट्रोडक्शन दीपक चलेगा नो ही नो दैट फाइन ओके नो ओके तो पहला क्वेश्चन से जाएगा अम्मी बहन हाँ जय सच्चिदानंद स्वामी जी जय सच्चिदानंद। आज ना टॉपिक मा नवमी आत्तवाणी मा हूँ काय जानू छु हूँ समझू छु ए आपघाती तत्व कहेवाय हूँ जानू छु हूँ समझू छु पछी ए आपघाती तत्व कहेवाय। हाँ अने कीधु के आपड़ा मोक्ष मार्ग मा मोटा मा मोटू बाधक अने जोखमी आज छे। हाँ बरोबर तो आप थोड़ू दादा भगवान ने हाजरी मा सु सांभळ्यो ए जरा समझाओ। हाँ बरोबर हूँ जानू छू हिंदी में बोलने का मैं जानता हूँ मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी जोखिमदारी है ये बहुत बड़ा आपघात करने के समान बात है। क्यों कि अगर आप सबको जानते हो तो दादा बोलते हैं कि जानना किसको बोलते हैं कि जहां भी जानना उसको बोलते हैं कि जहां पर से अंधकार निकल जाए। अगर आपके जानने के बाद फिर भी आप घिर रहे हो फिर भी आपके घर में कषाय हो रहे हो फिर भी आपके आपको सुख नहीं मिल रहा हो आत्मा का सुख नहीं मिल रहा हो तो आप तो घोर अंधकार में हो। तो जानना किसको बोला जाता है जानना उसको बोला जाता है जो प्रकाश प्रकाश हो जाए हमारे अंतस्करण में प्रकाश हो जाए हमारे अंदर में प्रकाश हो जाए जानना उसको बोला जाता है। अगर आप जानते भी नहीं हो और फिर भी बोलते हो मैं जानता हूं तो ये कितना बड़ा आपघात करने के बराबर है। इसलिए अगर आपको जानते हो आपको सब कुछ पता है तो फिर आपको कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है फिर आप किसकी तलाश कर रहे हो। जानना उसको बोला जाता है कि आपको पता चले कि मोक्ष मार्ग क्या है मोक्ष कैसे जा सकते हैं हम खुद आत्मा का सुख क्या होता है उसका अनुभव क्या होता है उसको जानना बोला जाता है। बाकी ये संसार की बातों को जो आप जानते हो वो तो आप लास्ट बर्थ में ऐसा नक्की किया हो कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे वो बनना है वो आपने जो नक्की किया हो वो लास्ट बर्थ के निश्चय के हिसाब से सिग्नेचर के हिसाब से आप जो कुछ पढ़ जाते हो या एक्सपर्टाइज में आ जाते हो तो उसको आप जानना बोलते हो। वो जानना नहीं है खरी रीते जानना उसको बोला जाता है कि हम अपने आप को पहचान सके हम अपने आप को जान सके कि मैं कौन हूं उसको जानना बोला जाता है। बाकी तो ये सब संसार की बातें तो सहज है वो तो बच्चे को भी पूछेंगे तो वो भी बताएगा कि भाई ये माँ बाप क्या होते हैं घर क्या होता है ये सब ये जानने की चीजें नहीं है। जानने की सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैं कौन हूं वो जानना चाहिए उसकी तलाश होनी चाहिए और उसको उसको जानना बोला जाता है। और जानने का सबसे बड़े में बड़ा अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जानना उसको बोला जाता है कि आपके अंदर प्रकाश हो आपके अंदर से अंधेरा गायब हो जाए आप अपने पोता खुद के अंदर के स्व के अंदर खुद प्रकाशमान हो जाए उसको जानना बोला जाए। बराबर हाँ। लेकिन हम लोग ये जो ज्ञान समझते हैं
दादा भगवान का अक्रम विज्ञान का जो ज्ञान हमको मिल रहा है तो वो भी अंदर से ऐसा रहता है कभी कभी कि हाँ मतलब समझ में आ रहा है या मैं जान सकती हूँ इसको। कभी कोई ऐसा आप्त सूत्र आ गया तो उसका जो मर्म है तो अंदर से ऐसा होता है कि हाँ ये समझ में आ रहा है। तो ये जो अंदर से हो रहा है कि मैं समझती हूँ मैं जान रही हूँ तो ये जोखम है ना अंदर से कि हर बार ब्लैंक रहना चाहिए। नहीं नहीं जोखम नहीं है, जानना तो बहुत अच्छी बात है। दादाजी तो खास बोलते हैं कि ये विज्ञान मिलने के बाद हमको सिर्फ कुछ भी नहीं करने का है, दादाजी के हर एक वाक्य को समझ समझ करना है। अगर आप समझेंगे नहीं तो दादा ने ये वाक्य क्यों बोला कि समझ समझ करने से ही मोक्ष में पहुंचोगे, क्योंकि हमारे को लास्ट स्टेज जब आएगा हमारा केवल ज्ञान का तो आप हर एक बात को जब समझे होंगे, हर एक बात को जाना होगा, समझ किया होगा, तभी तो आप अपनी अल्टीमेट डेस्टिनेशन को पहुंच पाओगे ना। तो समझना तो पड़ेगा, दादा तो बोलते हैं कि ये विज्ञान को समझ समझ करना ही पड़ेगा और इस समझ से ही आप स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो उसका कोई वो तो क्या है कि अभी जो पहले अज्ञान दशा में थे तो कुछ भी हम बोले तो हमको टच हो जाता था, उसका हमको असर होता था, उसके अंदर हम तन्मयाकार हो जाते थे। अभी ज्ञान की बात तो हमको दादा ने छुटा कर दिया तो समझ कौन रहा है, तो अमीबे समझ रही है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। क्योंकि ये हमको बार बार ये सेपरेशन होता रहता है और इस सेपरेशन की वजह से हमको कुछ भी असर नहीं होता है, क्योंकि हम हर एक चीज में हम अमी के साथ अलग हो जाते हैं। समझ कौन रहा है तो अमी समझ रहा है, आत्मा को कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आत्मा तो खुद समझा हुआ है, वो तो सुलझा हुआ है, वो तो अपने सुख के परमानंद ही में है, उसको क्या समझना है। तो व्यवहार से कुछ भी अगर हमको अहंकार भी होता है तो अमी को होता है, और अहंकार बहुत दादा बोलते कि चढ़ जाएगा तो फिर मार खाएगा तो वही अहंकार निकल जाएगा। तो जो कुछ भी होता है अमी बहन को होता है, मेरे को कुछ नहीं होता है। समझ कौन कर रहा है तो अमी बहन समझ रही है, तो ये ऐसा सेपरेशन रहेगा तो आपको असर नहीं होगा। तो वो जो कैफ नहीं चढ़ना चाहिए ऐसा दादा भगवान ने बताया। हाँ मैं जानता हूँ उसका कैफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कैफ हो चढ़ गया मैं जानता हूँ तो फिर उसके बाद दूसरी जानने की जरूरत क्या है, फिर दादाजी के बात समझने की जरूरत क्या है। वो कैफ चढ़ गया तो फिर वो आप आत्मा से दूर हो गए, अपने स्व से दूर हो गए। अब किसको कैफ चढ़ता है, हमारा विज्ञान का साइंस समझने जैसा है कि ऑल द टाइम हमको अमी से अलग रखने का है। कैफ किसको चढ़ता है तो अमी को होता है, उसको पकड़ के नीचे लेके आओ। ये किसको होता है, क्रोधमान माया लोभ किसको होता है, अमी को होता है। हमको कुछ नहीं होता, हम तो शुद्ध आत्मा पद में बैठे हुए हैं, तो वो बार बार हमको सेपरेशन करने का है। असर किसको होता है, अमी बेन को होता है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये विज्ञान को बार बार समझ करने का, जितना विज्ञान को आप समझ समझ करोगे किसको होता है, मैं कौन हूँ, ये जो ऑल द टाइम जो दादा क्वेश्चन करते हैं उसमें से सेपरेशन होता जाएगा। और ये हमको बार बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अनादि की प्रैक्टिस वैसे की हुई है, मैं अमी हूँ, हम एकाकार हो गए थे। ये तो बड़ी दादा ने मेहनत करके विज्ञान समझा के हमको अलग किया, हम हमारे को खुद के ऊपर शंका डाल के खुद अलग करवा दिया, इसकी वजह से अभी बार बार थोड़ा एकाकार हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करने का। कभी भी कुछ भी एकाकार हो जाता है उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करने का, पर एक लक्ष्य हमको हमेशा रखने का कि हमको दादा ने अभी अलग कर दिया है, अभी हमको जितनी भी हमको टाइम मिले उसका यही प्रैक्टिस रखने का है कि अमी अलग है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, हर एक संजोग में बात करते रहने का। उससे न कोई कैफ चढ़ेगा, न कोई अहंकार आएगा, न कोई चकडोले चढ़ाएगा तो भी चढ़ेगा, कोई घर वरस बोलेगा अमी बहन तो बहुत अच्छा काम करती है, इसके जैसा तो इसको तो बहुत ज्ञान की जागृति है, तो ऐसा बोलने के साथ घर वरस खड़ा हो जाता है। घर वरस खड़ा हुआ ऑन द स्पॉट, थोड़ी देर में ऑन द स्पॉट जागृति आ जाती है, अरे अमी बहन आपको तो बहुत घर वरस आ गया, आप तो चकडोले चल गए, आप तो ऊपर हवा में उड़ने लगे, आपको पता है कि आप कौन है, तो बोले हाँ, अरे अमी बहन तो भाई फाइल है, ये मेरा फाइल का संभाव है निकाल करने का है, कोई हमारी प्रशंसा करता है तो अमी बहन की करता है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा ऑल द टाइम अपने को लक्ष्य रखने का है, ऐसा लक्ष्य रखेंगे तो इस दुनिया की कोई भी चीज आपको टच नहीं कर सकती। आप हर पल
दादा बोलते हैं कि मैंने आपको ऐसा विज्ञान दिया है कि आप हर पल अलग रह सकते हो, छुट्टा रह सकते हो, हर पल समाधि में रह सकते हो, हर पल मोक्ष का अनुभव कर सकते हो, ऐसा मैंने आपको विज्ञान दिया। सही है? हाँ सही। हाँ थैंक यू वेरी मच। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। केशव दास जी, हाँ जी, एक अमित बहन ने बताया ना कि सूत्र पढ़ते तो अपना खुद से मीनिंग निकाल दो, कैसे मालूम पड़ता कि दादाजी का आशय हमको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, वो तो क्या है कि कई बार क्रॉस चेक करने का, आप तो पुत्रों से पूछने का, दादा के विज्ञान से पूछने का, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि मैं समझ गया पर अपना अगर अंदर से अपने को 100% सेफ साइड होना हो तो दादा बोलते हैं कि क्रॉस चेक करने का, आप तपुत्रों से पूछने का, दूसरों अपने महात्माओं से पूछने का जो आसपास में हो, और फिर वो जो आप सोच रहे हो और वो उन्होंने जो जवाब दिया वो सही निकला और दोनों पैरेलल चल रहा है तो आपको समझने का कि भाई चलो ये हमारा हमारा आशय जो था वो सही है। क्योंकि इसमें इसमें विज्ञान में दादा बोलते थे अपने इस दिमाग से समझोगे तो उसका उसका असर दूसरा भी हो सकता है, बरोबर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका दिनों दिन जागृति बढ़ रही हो, आपकी अंदर समझ खुली जा रही हो तो आपको अंदर से खुद ही जवाब आएगा कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। पर आपको मुझवन हो रही हो, आपको अदबद लग रहा हो शायद ये सही है या नहीं है तो क्रॉस चेक कर लेने का, उससे क्या हमारी सेफ साइड हो जाएगी, क्योंकि अपना तो मार्ग खुला है, ओपन माइंड का मार्ग है। कोई कोई किसी चीज को ऐसा, दादा ने विज्ञान को कितना भी बड़ी, हम दिन रात दादा के साथ रहते थे, कितना भी पढ़ते थे तो भी छोटी छोटी बात हम बार बार दादा से पूछते थे कहीं हम रॉन्ग ट्रैक पे तो नहीं है, जो क्योंकि ज्ञानी पुरुष से, ज्ञानी पुरुष ने जो आत्मा देखा है, जो भगवान ने पूरा विज्ञान देखा है, केवल ज्ञान को, वहां तक तो हम पहुंचे नहीं है तो हम अपने आप को 100% राइट बोल ही नहीं सकते हैं। इसलिए कितनी बार तो हम भी बोलते हैं कि मुझे ऐसा आशय में लगता है, मुझे ऐसी समझ में आती है, फिर भी हम आपता पुत्रों से एक दूसरे से भी क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये बात सही है, तो उसमें से वो बोलते हैं हाँ ये बात सही है तो हमको भी इत्मीनान हो जाता है, क्योंकि ये तो जोखिमदारी है। हम खुद के हिसाब से उसको, दादा कितनी बार ऐसा बोलते हैं कि खुद के हिसाब में जो समझ में आए और वैसा वो चले उसको स्वच्छंद बोला जाता है, मैं जो सोच रहा हूँ मैं जो समझ रहा हूँ वो सही है, वो नहीं भी हो सकता है, तो क्रॉस चेक करने में वादा नहीं है, अपना सेफ साइड हो जाएगा। बढ़िया। ओके अमी बेन। यस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सूरज भाई खरे। ईश्वरानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खरे साहब कैम सर, आपकी विचारधारा बड़ी प्रैक्टिकली है, इसके लिए मैंने सोचा है कि एक प्रश्न पूछूं आपसे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये मनुष्य अपने मान के लिए जीता है, सदैव अपमान से दूर रहता है, बराबर? बराबर। हाँ, तो मैं, मेरा ज्ञान, मेरी, मैं ज्ञानी, मैं जीवन, मैं पूरा सब कुछ जानता हूँ, यदि ये रिलेटिव पार्ट का डिस्चार्ज है, हाँ, तो कपट और अहंकार, मान अपमान, रुपया डॉलर और प्रश्न का रहता ही नहीं है साहब। हाँ, सही बात है कि नहीं? सही बात और है। इतने सत्संग हम लोग सालों से सुनते आ रहे हैं, इसके बाद भी हम लोग लक्ष्मी मफत लालच नहीं जाती है, इसको अपने को नादानी समझने का कि अपना अभिमान समझने का? सर नहीं, जानबूझ करके हम लोग गलती क्यों करते हैं सब? नहीं, वो जब तक बाहर खानी है तब तक गलती करते रहेंगे, जिस दिन आकृति में आ जाएंगे कि अभी भी ये मेरे से सहन नहीं होता है, अभी मेरा अभी तक सुख जो आत्मा का आना चाहिए वो क्यों नहीं आता है, क्योंकि हमारा पूरा चित्त इसी चीज में पड़ा हुआ है, ये मान में, ये लोभ में, ये लक्ष्मी कमाने में, जब तक हमारा मन वचन का है और पूरा पूरा अंतस्करण इसमें लगा हुआ है तो आत्मा का सुख तो उसमें आएगा ही नहीं। आप कितनी भी कोशिश करो कि मैं ज्ञान में रहता हूँ, आज्ञा में रहता हूँ, पर खड़ी रीते जो दादा बोलते हैं जो मुक्त हाथ से कैसे आता था, ये आत्मा का इतना पार होकर का जो सुख है
उसका जब तक आपको अनुभव नहीं आएगा तो तब तक आपको ऐसा ही लगेगा कि भाई मैं पूरा ज्ञान में हूं, पर एक्चुअली देखा जाए कि अभी अभी तक हमारा जो अंतस्करण है, हमारा मन वचन का है, हमारी जो अंदर अंदर जो पूरा माल भरा हुआ है, जो डिस्चार्ज में आ रहा है, अभी वो पूरी तरह से हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। दादा बोलते हैं लोभ भी हमारे पकड़ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है कि मेरे को लोभ नहीं है, ऐसा लगता है कि मेरे को मान नहीं है। अरे जब तक अपमान का डर लगता है तब तक मान पूरा भरा पड़ा है। तो ये क्या है, पूरी साइंस को समझना पड़ेगा, ये पूरा विज्ञान को समझेंगे नहीं तब तक वो खरी रीते अपना अंदर का सुख आएगा भी नहीं। और जब नहीं, तक नहीं, नहीं, जानबूझ करके फिर भी फिसल जाता है आदमी घड़ी घड़ी। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, जब तक आपकी खुद की तैयारी नहीं है तब तक कोई आपको फिसला नहीं सकता। दादाजी को दादाजी को क्यों नहीं कोई फिसला नहीं सका? कई बार दादाजी ने बिजनेस को छोड़ दिया था, तभी उनके पार्टनर ने आके उनको फोर्स किया। मैं उस दिन रूम में बैठा था, उस दिन पूरा दिन एक घंटे तक सच वो बात चली। दादा को फोर्स किया जा रहा था कि दादा आप खाली भले नाम की खातर भी मेरी पार्टनरशिप में रहो। तो अभी दादा ने पार्टनर को बोल दिया कि नहीं, अभी मुझे किसी भी हालत में इस चीज में नहीं पड़ना है, नहीं मेरा अभी इसमें चित्त है, नहीं मेरा ये रास्ता है, नहीं ये मेरे को ये मार्ग पे जाना है। बरोबर, जब तक मेरा वो टाइम था मैं आपके साथ पार्टनर रहा, मेरे को सब था, अभी मेरे को कुछ भी इसमें इंटरेस्ट रहा नहीं है, क्योंकि अभी मेरा पूरा चित्त मेरा काम ही आत्मा आएगा है और मेरे के अंदर भगवान प्रकट हो गया। अभी मेरा काम क्या है? बिजनेस करना नहीं, अभी मेरा काम एक ही है कि जो भी मेरे संपर्क में आता है उसको ज्ञान देना है, उसको मोक्ष मार्ग पे लेके जाना है, मेरा धंधा ही बदल गया है। तो वो अगर स्लिप होना चाहते थे या अगर वो पैसे की बात में लालच में आते थे, अगर या तो उनके अंदर कुछ भी ऐसा होता था तो उधर वो साइन कर देते थे। पर उनको कितना भी कन्विंस किया गया था पर उन्होंने एंड तक वो बात को नहीं माना और नहीं किसी के फिर आगे चल के पार्टनर बने और फिर दादा ने उसको फुल स्टॉप कर दिया। ऐसा अगर आपका पक्का निश्चय है तो फिर आपको कोई फिसला ही नहीं सकता इस धरती पे। आपकी खुद की तैयारी है तब तक आप फिसलते जाओगे, बाकी कोई किसी की ताकत नहीं है कि आपको फिसला सके, आपके निश्चय के ऊपर है। दादा क्या बोलते हैं, आपका निश्चय पक्का है तो इस धरती में कोई भी आपको हिला नहीं सकता। वेरी गुड। अपने को ऐसा लगता है कि मैं ऐसा चाहता हूं, मेरे अंदर में ऐसा है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ये नहीं चाहिए, पर अंदर कहीं ना कहीं खूने के अंदर ढूंढ के देखो, आपको लगेगा कि अभी भी हमारी खुद की सिग्नेचर है, ये कमाने की, पैसा कमाने की, ये सब हमारी खुद की सिग्नेचर है, इसके लिए अभी उसका एंड आता नहीं है। एक बार तो मैं आपको एक हकीकत बताता हूं। एक बार एक महात्मा था तो उसको दादाजी को 100% समर्पण कर दिया था। वो बोला कि बस दादा अभी मेरे को इस धरती पे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये मुझे मोक्ष मार्ग पे ही चलना है और मेरे पास जितनी भी लक्ष्मी है वो सब मुझे इस सत्संग में ही वापस डालनी है। मेरे को मतलब इतना सा भाव विभोर हो गया था। तो दादा ने भी ऐसा बोला, तो बहुत अच्छी बात है, आप एक काम करो कि ये जो है ना जितनी भी आपकी लक्ष्मी है, जितना भी ये सब कुछ है आपका, ये संघ के हवाले कर दो और आप अपने आप को संघ को समर्पण कर दो, तो पूरा ये जो जय सचनादन संघ है वो आपका टेक केयर करेगा। क्या बोला, आपका खाने पीने का, रहने का। तो जब दादाजी ने उनको ये बात बोली तो इतना पैसा होने के बावजूद भी वो सिग्नेचर नहीं कर पाए और दादाजी को पूरा समर्पण नहीं कर पाए। तो फिर दादाजी ने बोला कि आप एक तरफ तो बोलते थे, फिर दादाजी ने उनको कुछ आगे बोला नहीं कि भाई आप तो ऐसा बोलते थे कि मुझे सब कुछ लुटा देना है सब। तो फिर दादा समझ गए कि उनके अंदर खुद की जब तक सिग्नेचर है नहीं कि मुझे इसमें से छूटने का है, तब तक होगा भी नहीं। जिस दिन आपका हो जाएगा तो दादा ने एकदम रास्ता दिखाया, ऐसा है कर दो, सब अपने आप को संघ के हवाले कर दो और मैं गारंटी देता हूं कि संघ पूरा आपकी टेक केयर करेगा, आपका रहने का, आपका खाने पीने का। पर वो उनसे हो सका नहीं। तो इसमें से सीक्रेट समझ जाओ कि जब तक हमारी खुद की तैयारी नहीं है तब तक कुछ भी नहीं होएगा। जिस दिन आपकी तैयारी हो गई कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आत्मा के सिवाय, उस दिन ये सब छूट जाएगा। ये डिस्चार्ज का पोलम पोल सा लगता है सर। हाँ उसमें खुद की सिग्नेचर बहुत बड़ी है, नहीं तो कोई आदमी लिपस ऐसा लपस सकता ही नहीं है इस धरती पे।
जिसको ये दादा भगवान का सेफ साइड का ज्ञान मिल गया ना, उसको कोई भी आदमी हिला नहीं सकता, हिला नहीं सकता। नहीं नहीं, बहुत सालों से हम ये ज्ञान को समझते जानते सत्संग सुनते और फिर भी परेशानी है ना, हमेशा है ना मान की आ जाती है। हाँ, ये मान का लिए तो जी रहे हैं सब सब महात्मा लोग। हाँ, यदि अपमान मिले तो कोई जाएगा नहीं, जिएगा भी नहीं सब। बरोबर है, ये एक बात सही है, पर एक चीज क्या है कि इसके अंदर हमारी खुद की पूरी सिग्नेचर है। खुद का जहां पर सिग्नेचर है ना, वैसा ही दादा क्यों बोलते थे कि भाई ये दो दो चीजें ऐसी है कि इंसान को खुद को पकड़ में आ ही नहीं सकती, बड़ी मुश्किल हो जाती है, बहुत दम लगाना पड़ता है, एक तो लोभ और दूसरा कपट। ये दोनों चीज इतनी खतरनाक है कि दादा बोलते थे, तो जब दादाजी बोलते थे तो हम विचार में करते थे कि दादाजी जब आपने सब कुछ बता दिया, ऐसा इसको लोभ बोलते हैं, इसको कपट बोलते हैं, तो भी पकड़ में नहीं आता। बोले खुद को ही नहीं पता चलता कि मैं लोभ कर रहा हूँ, खुद को ही नहीं पता चलता कि मैं कपट कर रहा हूँ। मतलब ये दोनों चीजें इतनी अंधकार में लेके जाती है, वो इतना इतनी आत्मा से विमुख कर देती है कि हमको पता ही नहीं चलता कि हमको कितनों मीलों दूर हमको अगेंस्ट में लेके जाती है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, खुद है कि और कोई दूसरा लोग है? कौन जिम्मेदार है? यू आर होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर यूर सेल्फ। इतना ब्यूटीफुल इंग्लिश में दादा एक्सप्लेन किया है कि जो बड़े बड़े खलंदर इंग्लिश के विद्वान भी नहीं बोल सके, कि इसके अंदर में इतना बड़ा रहस्य दिया है कि यू आर होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर यूर सेल्फ, नो बडी एल्स। आप किसी को बोल भी नहीं सकते हो कि भाई ये मैं लास्ट बर्थ में साइन किया था, इसका मेरे ग्रह गलत है, ये इसके लिए ये जवाबदार है, इसके लिए वो जवाबदार है, किसी को भी जवाबदार नहीं बना सकते हो। ये लोग जिम्मेदार नहीं आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं है। हुआ था, कोई नहीं जिम्मेदार है, खुद ही है। ये तो हम खुद आखा दिन बोलते रहते हैं कि भाई इसकी वजह से हो रहा है, मेरा फाइल नंबर 2 के लिए मुझे काम करना पड़ता है, मेरे बच्चों के लिए काम करना पड़ता है, ये सब हम ऑल द टाइम अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। पोलम पोल है, माने पोलम पोल है दादा, नहीं बोलते है। एक तो भूल करते हैं, फिर उसका उपराणा लेते हैं कि भाई नहीं, ये तो मेरे में भूल है नहीं, ये तो मैं दूसरों की वजह से करता हूँ, मैं तो मैं बच्चों की वजह से करता हूँ, पर ये खुद की लालच होती है, खुद का ही सिग्नेचर होता है। अभी इंटरनली तो आप उनसे पूछने को जाओ ना, तो दादा वो ये भी बोलेंगे कि दादा ने तो जब बोला है कि खिचड़ी कड़ी खाने का पैसा हो तो फिर क्यों हाय हाय करते हो, तो फिर वो बोलेंगे कि आपको ही लोभ है, हमको तो कुछ लोभ है ही नहीं। वाइफ भी ऐसा बोलेगी, बच्चे भी ऐसा बोलेंगे, उल्टा ये बोलेंगे अभी आप रिटायर क्यों नहीं होते, आराम करो, आत्मा का करो, ज्ञान का करो, क्यों इसमें पड़े हुए हो। तो फिर हम काजू कतरी अच्छी लगती है ना सब, तो क्या करेगा वो जी, काजू कतरी के लिए जाते हैं सब। वो जो दादा ने सही बोला था, वो चटनी के सुख के लिए सब लोग इधर भटक गए। बाकी ये सब लोग जितने भी मेरे कनेक्शन में आए वो महावीर की सभा में बैठे हुए थे, वो चटनी के सुख के लिए सब लोग ने अपना पूरा आत्मा का पूरा विज्ञान को छोड़ दिया। और फिर अभी मेरे को ऐसा करुणा आई कि फिर हमने ऐसा सोचा कि इन सब लोगों को वापस मोक्ष में लेके जाना पड़ेगा, इसके लिए ये सोच आप लोगों को, आपके लिए ही सब ये मैं हाजिर होके सब डीएन करने को आया हूँ वापस। नहीं नहीं, बहुत गलती है सर ये, क्या हमेशा है ना मान है ना, मैं मेरा ज्ञान मेरी, मैं ज्ञानी, मेरा जीवन इसी में पूरा चला गया साहब। हाँ चला गया, और जीवन इसी में चला जाता है। उसको दादा ने क्या बोलता है, चलो सर जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अमित सूर्या, जय सच्चिदानंद साहिब, जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न था कि एक तो मैं सबसे पहले बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इतने अच्छे टॉपिक अभी जो चल रहे हैं, तो दादाजी मतलब छोटी से छोटी गलती निकालने के लिए मतलब तैयार हैं, बस अब आप अपने को ही देखना कि अपने अंदर क्या क्या गलतियां हैं। क्रोध, लोभ, कपट, गारवता, मतलब छोटी से छोटी गलती दादाजी निकालने के लिए आए हुए हैं। तो अभी हमको जो पकड़ जो टॉपिक है, तो जैसे अभी ज्ञानी को पकड़ लिया है, तो व्यवहार में क्या चीज की पकड़ छोड़नी है कि ज्ञानी को अच्छे से पकड़ सकते हैं? हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी व्यवहार में जो क्या है, सबसे बड़ी पकड़ क्या होती है व्यवहार में, कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ या मैं जो कुछ बोल रही हूँ
उसको वो पकड़ ऐसी पकड़ लेते हैं कि सामने वाले को सुनने की भी बात नहीं आती है, और उसको पकड़ को पुरवार करने के लिए कि मैं सही हूं, उसके ऊपर फिर दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, उसको पकड़ को इतना घारवता में लेके जाता है कि उसको पता भी नहीं चलता कि हमारी कंडीशन क्या होने वाली है। पकड़ क्या होनी चाहिए? क्या आत्मा के लिए पकड़ होनी चाहिए? जैसे आपने सही बोला, ज्ञानी पुरुष के लिए पकड़ हो तो वो अपने को मोक्ष मार्ग लेके जाएगी, पर ये व्यवहार की पकड़ तो हमको मोक्ष मार्ग के विरुद्ध लेके जाएगी। किसी भी बात में अगर कोई बोलता है कि आपकी ये गलती है, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो ऑन द स्पॉट क्या रिएक्शन आ जाता है कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ वो सही है, मेरा तो मैं अपने हिसाब से जो मैं कर रही हूँ मुझे 100% हिसाब लगता है कि मैं सही हूँ, आप गलत है। अभी वो कितना भी उसको रोशनी डालने की कोशिश करे कि ये आप जो कर रहे हैं वो सही, आपके व्यू पॉइंट से बरोबर हो सकता है, पर लेकिन ये जो आपका तरीका है ये एंड में आपको गलत डायरेक्शन में ही लेके जाएगा, आपका अंदर का सुख भी चला जाएगा, तो भी वो पकड़ जो होती है मैं सही हूं उसकी वजह से वो अंधकार की तरफ लेके जाता है। और उसमें से पता चलना चाहिए कि दादा ने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि जभी जभी आपको लगे कि मेरा अंदर का सुख चला गया तो आपको पता चलना चाहिए कि यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। ये सबसे बड़ी निशानी है। अगर आपका अंदर का सुख बढ़ता जाता है और बढ़ता जा रहा है तो आप समझो कि आप ऑन द राइट ट्रैक पे हो, आप जिस जिस चीज को दादा की बात को पकड़ा है वो आपने सही पकड़ा हुआ। तो पकड़ ऐसी चीज है कि आपने वो आपको अंधकार की तरफ लेके जाएगी, आपके आत्मा के विरुद्ध तरफ लेके जाएगी, आपके नेगेटिव तरफ लेके जाएगी, आपका अंदर का सुख उभराएगा नहीं, सुख आएगा नहीं, और वो पकड़ की वजह से फिर आप रियलाइज करोगे जब वो चले जाएगा, जो आपको समझा रहा था वो चला जाएगा, फिर बाद में आपको हिट होएगा कि मैं कितनी पकड़ कर रही थी। और दादाजी क्या बोलते हैं कि ये विज्ञान कैसा है कि आपको तुरंत स्पॉट आपको पता दिलवाएगा कि आपने ये गलत किया, आपने जिद किया, आपने ये खामखा उनके साथ नेगेटिव तरफ चले गए। वो अंदर आपके अंदर बैठे जो जागृति है वो इतनी अच्छी विज्ञान प्रज्ञा शक्ति प्रगटावी है दादा ने इस ज्ञान के बाद, जो आपको बार बार अलर्ट कर रही है, आपको बार बार जागृत कर रही है और आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रही है। ये इस विज्ञान की सबसे बड़ी में बड़ी जीत है कि आपको वो प्रज्ञा शक्ति ऑल द टाइम चेतती रहती है, जागृत करती रहती है, आपको हर एक डायरेक्शन में से बचाती रहती है। ये तो मैं प्रज्ञा शक्ति जब अंदर बात करती है ना तो मैं तो इतना खुश हो जाता कि बोला दादा ये आपने क्या बिठा दिया है। और आप दादा ने सही बोला था कि उनको ऋषभदेव भगवान को तो उधर चौकीदार बिठाया था, हर घंटे में भरत राजा चेत चेत करता था, ये तो सेकंड ही सेकंड चेतता है। से उठ के गए अपने रूम में और रूम में जाते समय भी आपके सामने कोई गुजरा, आपका बेटा मिला, कुछ मिला, और एक सेकंड के लिए भी आपने उसके लिए नेगेटिव विचार किया, ऑन द स्पॉट जागृति आती, अरे ये आपने क्या सोचा, करो प्रतिक्रमण करो। अभी ऐसी जागृति होना इट इज अ इम्पॉसिबल थिंग जो हमारे अंदर दादा ने प्रकट करवा दी है। सही, बिल्कुल बराबर। तो अभी दादा को कैसे पकड़े? बस दादा को अपनी आप ऐसा समझो कि जैसे जैसे भाई जैसे माँ अपने बच्चे को कैसे पकड़ लेती है, उसको किसी भी दुविधा से, किसी भी तकलीफ से, किसी भी संजोग से बचा के रखती है, तो क्यों कि वो उसको समर्पण हुआ होता है, वो बच्चा अपनी माँ को समर्पण हुआ होता है, माँ को ऐसा होता है कि मेरा बच्चा है, तो वो ऐसा समर्पण चाहिए। दादा को जो पकड़ के रखा कि दादा आप ही सब कुछ हो, आप मेरे माथे पे चार हाथ रखो, मैं आपके कंप्लीट शरण में आ गई हूँ, जो आप मेरे को जो आपकी समझ मिली है मैं वैसा ही स्टेप लूंगी, वैसा ही दादाजी के कहने के मुताबिक चलेंगे, और दादा ने जो एक एक वाक्य बोला है, एक एक साइंस बोली है, उसके पीछे हम चलेंगे, तो दादा के चार हाथ है, दादा का पूरा रक्षण है। दादा बोलते है कितनी बार तो दादा ऐसा बोलते थे बार बार कि मैं इतना बार बार बोलता हूं तो भी लोग मानते नहीं है ना, करते नहीं है ना, ऐसा कितनी बार बोलते थे। एक बार जैसे एक बार ऐसा एक महात्मा था, उसको बहुत तकलीफ आ गई, बहुत बड़ा बिजनेस था उसका, सुनने जैसी बात है, इतना बड़ा बिजनेस था कि वो करोड़पति कहलाता था, तो अचानक और उसके घर में काफी बच्चे थे, 6-7 बच्चे थे, 2-3 बेटियां थी,
सब थे, बहुत अच्छा परिवार चल रहा था, दादाजी के सब रेगुलर सत्संग में आते थे। तो अचानक ऐसा हो गया कि बहुत तकलीफ आ गई घर में, पैसे की भी तकलीफ आ गई, बेटियों की भी तकलीफ आ गई, बच्चों की भी तकलीफ आ गई। तो काफी दिनों तक फिर दादा के पास आते थे, वो करते थे, दादा ने बोला कि आवाज ऐसे संजोग आ जाए तो समझने का कि हमने कोई ना कोई अंतराय कर्म किए हैं गए बर्थ में, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। कभी लक्ष्मी का अंतराय कर्म किया हो, कभी दूसरा अंतराय किया हो, तो उसके सब ये तकलीफें आते हैं। तो क्या करने का, घर में बैठ के एक घंटा दादा भगवान का असीम जय जयकारो बोलने का, क्या तो बोलते थे कि बहुत विघ्न आ गए हो तो त्रिमंत्र का जाप करने का एक एक घंटा। तो दादा बोले कि हम ऐसा बोलते हैं तो भी लोग करते नहीं है ना, बाकी जो अगर करे तो पैसे की बारिश हो। क्या बोला उन्होंने? पैसे की बारिश। हाँ भाई, पैसे के लिए तकलीफ आ गई और दादा बोलते कि ऐसा करना, घर में सभी लोगों को बिठा के, घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनको बिठा के रोज एक घंटा शाम को त्रिमंत्र का जाप करना तो तुम्हारे घर में बारिश होगी। पर दादा बोलते क्या है, ऐसा हम बोले तो भी लोग करते नहीं है ना, उनको विश्वास ही नहीं बैठता है। तो बोलो भाई, ज्ञानी पुरुष ने रास्ता बताया हो, वो बोलते है कि मेरे को हर एक देवी देवताओं का फोन नंबर है, फोन नंबर नहीं है, वन डायल नो फोन छे, वन डायल गुजराती में बहुत अच्छा बोलते थे, वन डायल नो फोन छे मारी पासे, वन डायल मतलब अपने को डायलिंग नहीं करना पड़ता है, 7 8 9 4, खाली मैं ऐसा रिसीवर उठाऊंगा तो मेरी लक्ष्मी देवी फोन उठा लेगी, भाई हाँ जाओ भाई ये मोहन भाई के घर पे जाओ, उनको तकलीफ है। अभी ऐसे भगवान हमारे सामने बैठे हो जिसके पास वन डायल का फोन हो बिना डायल का, तो उसके पास तो उसके कहने के मुताबिक चले तो क्या नहीं हो सकता है, आप मेरे को बताओ। दादा ने पकड़ रखा है, वो एक महात्मा ने ऐसा बोला कि दादा भगवान बहुत बहुत खुश हो गया कि मेरे को दादा भगवान आपको हमेशा बहुत याद आती है, जब भी देखो मैं आंख बंद करता हूँ तो आप मेरे पास आंखों के सामने हाजिर आ जाते हो, मैं दादा आपको जिधर भी जाता हूँ देखता हूँ, मेरे को ये क्या हो गया दादा? तो बोले कि इसमें तेरा कुछ भी नहीं है, वो दादा भगवान ही ऐसा है, इसके लिए तो मेरे को बार बार याद आते हैं, इसमें तेरा क्या है। सही बात है, सही बिल्कुल सही, दादा भगवान ही ऐसे है कि तेरे को बार बार याद आते हैं, बाकी तेरा क्या है इसमें बेटा, ये तो दादा की कृपा हो गई है कि आपके ऊपर दर्शन हो गया, आपके सर पे हाथ रख दिया तो आपका कल्याण हो गया, बाकी दादा कैसे है कि खाली आप उनको याद करो तो आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। जय सच्चिदानंद के स्वामीनंद जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आगे हम ये मैं जानता हूँ कि बात हुई आगे, हाँ जी, दादा भगवान ने हमें 360 डिग्री दर्शन दे दिया है, हाँ, अगर ये दर्शन हमें समझ में आ गया फिर तो हमें इस संसार में वैराग आने होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है, हमें ये संसार की चीजों में इतना लगाव रहता है, तो ये कौन सा आवरण हमें ये समझ नहीं देता है, समझ देने को नहीं लगता है कि ये बात को समझने के लिए कौन सा आवरण हमें मजबूर करता है, तो वो मुझे जानना है, क्योंकि ये सब नहीं तो ये सब कषाय वगैरह होना ही नहीं चाहिए, ये लोभ मान क्रोध मान माया लोभ सब हमें इतना पकड़ रखता है कि इस संसार में से बाहर निकलने नहीं देता है, तो वो कौन सा आवरण है? अच्छा, अभी ये हकीकत में क्या है, दादाजी क्या बोलते हैं कि हमारे महात्माओं का हमने इतना अच्छा सेफ साइड कर दिया है कि ये क्रोध मान माया लोभ होता ही नहीं है, अभी जो कुछ भी हो रहा है वो डिस्चार्ज में हो रहा है, पर अभी हमको वो टच नहीं कर रहा है, अभी हमको क्या करना है कि डिस्चार्ज में जो कुछ भी हो रहा है उसको जानना है, क्योंकि जो हमने लास्ट बर्थ में जो भी हमने चार्ज किया था वो तो डिस्चार्ज किए बगैर छुटका ही नहीं है, छुटका ही नहीं है, वो तो भगवान को भी नहीं छोड़ता है, नहीं तो ज्ञानी पुरुष का पैर का एक्सीडेंट होता था, ज्ञानी पुरुष का बॉडी का कार का एक्सीडेंट होता था,
वो तो साक्षात परमात्मा थे, पर उसका लास्ट बर्थ के हिसाब से जिधर जिधर हिसाब था वो तो दादा बोले कि मैं आपको अगर कितनी बार ऐसा बोलता हूँ, मैं आपकी विधि भी करता हूँ, तो इसके लिए कि आपको इस बर्थ में क्या है सहन नहीं होता, इसके लिए मैं आपकी विधि करता हूँ, नहीं तो ये अगर मैं नहीं करूं तो आपकी इतनी ताकत नहीं है कि इतने बड़े कष्ट में से आप निकल सके। फिर क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट बर्थ में आपका ज्ञान की जागृति इतनी हो जाएगी कि फिर उस समय आपका जो कुछ चार्जिंग का बाकी रह गया होगा उस समय आपकी इतनी शक्ति होगी तो आप खुद ही उसको निकाल के बायपास कर डालेंगे। तो ये दादा की समझ क्या बता रहे है कि इस बर्थ में अपना जो कुछ भी है अभी दादा से शक्ति मांग के जैसे तैसे करके ये भव निकाल दो, और हर एक पल यही सोचो कि ये डिस्चार्ज हो रहा है, इसमें मेरा अभी का सिग्नेचर नहीं है, अभी दादा ने इसका जो कुछ भी जो चार्जिंग का जो था उसको सील कर दिया है, अभी कोई मेरे को डिस्टर्ब कर नहीं सकता है। पर वो जबी जबी भी कभी भी बादल आ जाएंगे या उस समय आएंगे तो दादा की जो भी बातें है, दादा भगवान की कीर्तन भक्ति है, नमस्कार विधि है, इन सबको विघ्न को टालते जाएंगे, और जैसे जैसे हम इस विज्ञान को समझ समझ करते जाएंगे वैसे वैसे इन सब चीजों से हमारा आगे का स्टेप बढ़ता जाएगा। आप ये भी सोचो कि पहले जो भी आपकी परिणीति थी या ज्ञान के पहले आपकी परिणीति और अभी की परिणीति में कुछ भी फर्क नहीं है पहले से? फर्क है, नहीं, नहीं फर्क तो है, फर्क है। और पहले जो भी कोई भूले होती थी तो हमको पता नहीं चलती थी, अभी हमारी जो कुछ भूले होती है तो हमको तरत पता चलता तो है ना? अरे वो होता है, लेकिन वो बार बार क्यों हो, बार बार एक एक ही बात को दादा भगवान ने कितनी बार समझाया बोला है कि इस परिस्थिति में ऐसा होना चाहिए, हमें क्या करना है, पर वो लगाव उसमें हम बहे जाते हैं। हाँ, हमको देखना है जानना है पर इसके इसके बजाय उसके साथ चले जाते हैं। हाँ, पर वो क्या है दादा क्या बोलते हैं कि अनादि की जो आदत पड़ी हुई है एकाकार हो जाने की, अगर अगर आपको एकाकार नहीं होने की आदत नहीं होती, अनादि की जो आदत नहीं होती, कितने सारे कितने जन्मों से दादा बोलते हैं ये तो इस जन्म में हमने आपको विभाजन करके दिया और आपकी पहचान करवाई कि आप कौन है, पर इसके पहले के बर्थ में देखा जाए तो इसको दादा बोलते थे अनादि की टेव, अनादि की ये जी आदत है, अनादि का ये जो माल भर के आए वो इस भव में अभी आपको एकदम बिना किसी परिश्रम के, बिना कुछ तप त्याग के, बिना कुछ आपको किए एकदम चलते चलते आपको हाथ में पूरा मोक्ष का ज्ञान दे दिया, पूरी मोक्ष की समझ दे दी, इतना बड़ा चीज हमको दे दिया जिसकी वजह से हमको पता चला कि मैं कौन हूँ, ये जो होता है वो किसको होता है, मैं शुद्धात्मा हूँ इसकी पहचान हुई, फाइलों क्या होता है उसकी पहचान हुई, और इतनी सारी समझ बड़ी तो हमको तो बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है। अभी जो कुछ भी है ये छोटे छोटी बातें आती रहती है, तो दादा बोलते ये इसको कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सब निकलता रहेगा, माल निकलता रहेगा, उसको देखा करो क्या निकला, खुद तो आपको कुछ भी नहीं होता है, आपको वो ऐसी पहचान हुई है कि आप खुद परमात्मा है, परमात्मा की स्टेज में बिठा दिया है। अभी जो जितना आपका छुटापना का जो अनुभव होता जाएगा और जितना हो सके आप अपने आप को अलग रखने का वो जो आदत डालेंगे, रियल रिलेटिव देखने का आदत डालेंगे, तो धीरे 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 फिर चाहे इस पुद्गल के अंदर कुछ भी हो जाए, पुद्गल आखा सड़ रहा हो, खलास हो रहा हो, मर रहा हो, तो भी आप आत्मा की उस समाधि में रह सकते, ऐसा दादा भगवान ने विज्ञान दिया है। जैसे महावीर स्वामी कैसे रहते थे, तीर्थंकर भगवानों को कितनी सारी तकलीफें आती थी तो भी कितने वो आत्मा के सुख में रह सकते थे, हमने तो अपनी आंखों के सामने दादा भगवान को देखा कि कितनी सारी तकलीफों से पसार होते थे, कितनी बार कमड़ी हो जाती थी, कितने एक्सीडेंट होते थे, पर उनका मुक्त हास्य एक पल के लिए भी गया नहीं। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण नहीं है, सबसे बड़ा प्रूफ नहीं है कि हम जितना भी आत्मा से अलग रहेंगे उसका हम इतना बड़ा सुख का अनुभव कर सकते हैं, और वैसे ही स्टेज पे हमको दादा ने बिठा दिया है। अभी अपने को घबराने का नहीं है, अभी हमको इतनी हिम्मत रखने की दादा भगवान आपने मेरे को पूर्ण ज्ञान दे दिया है, पूरी समझ दे दी है, अभी मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं जितना हो सके इस पांच आज्ञा में रहूं, जितना हो सके मेरे को छुट्टापना का ज्ञान प्रकट हो, जितना हो सके मैं अलग रह सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दो। और फिर दादा ने उसके सब रास्ते भी बताए हुए हैं, अपने साथ बातचीत का व्यवहार रखो, अपने साथ बार बार जितना हो सके बातचीत का व्यवहार रखो,
बार बार बोलने का, क्यों घबरा जाते हो, आपको ऐसा होता है तो इसमें क्या है, लास्ट बर्थ में आपने ये माल भरा तो ये तो माल तो निकलेगा ही ना, इसमें अभी क्यों घबराते हो, मन ऐसा ढीला पड़ जाए तो मन को बोलने का कि मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूं, और कभी मन डिप्रेशन में आ जाए तो दादा बोलते 100 बार बोलने का, मैं अनंत शक्ति का धाम हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा 100 बार बोलो तो आपके अंदर ऐसी शक्ति प्रकट हो जाएगी कि आप बोलेंगे कि मुझे क्या हो गया। हम तो पहाड़ में जाके ऐसा जोर जोर से बोलते थे, क्योंकि घर में बोले तो सब लोग बोलेंगे ये क्या पागल तो नहीं हो गया है। तो दादा ने एक बार ऐसा बोला कि ऐसा लगता हो कि घर में कोई तकलीफ हो रही हो तो ऐसी एक खुली जगह पे चले जाने का, और पहाड़ पे जाके जितना जोर से बोल सकते हो बोलो, मैं अनंत शक्ति वाला हूं। अरे ऐसी शक्ति आ गई कि जैसे मैं बोला ऐसा ब्रह्मांड का स्वामी बन गया। वो दादा भगवान भी बोलते थे कि मुंह में से वो पान का डूचा निकाल दो और जोर से बोलो दादा भगवान ना असीम जय जयकारो। कितने तो एटिकेट के लोग थे तो दादा भगवान ना असीम जय, इतना धीरे धीरे बोलते थे तो दादा बोलते थे ये क्या कर रहे हैं यार, अपने आत्मा का भगवान का दर्शन हुआ है, भगवान का स्मरण करने का चांस मिला है, मुंह में से पान का डूचा निकाल के फेंको और बोलो दादा भगवान ना असीम जय जयकारो जोर से। फिर ऐसा सब लोग बोलते थे तो 2 मिनट के अंदर सबके अंदर इतनी इतनी शक्ति प्रकट हो जाती थी कि बोलते थे हम कहां पहुंच गए। जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी जय सच्चिदानंद, अभी आपने जो सिग्नेचर की बात की ने वो बहुत अच्छी लगी। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जो रिलेटिव में हमारा कोई भी चीजों से जो ज्यादा लगाव है। हाँ, वो अपनी सिग्नेचर से है 100%। तो अभी हमारा पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि ये लगाव में जब भी एक चीज सामने आए तो हम वो सिग्नेचर रिवर्स कर दे, मतलब ये नहीं चाहिए मेरे को। हाँ, सही बात है। बहुत बहुत अच्छा है, आई लाइक वेरी मच। नलीफाई कर देने का के ये दादा भगवान ये मेरे से भूल हो गई, ये लास्ट बर्थ में मैंने क्या सिग्नेचर की। हमको तो बार बार आखा दिन में ये याद आता है, कह रही ये मैं ऐसी सिग्नेचर की थी। एक तरफ तो मैं दादा भगवान का ज्ञान लेके आया और उसके साथ ये भी सब मटेरियल लेके आया। ओ वही दादा भगवान अभी भूल हो गई, मैं अभी आपके सामने निश्चय करता हूं कि मेरा जब तक मोक्ष नहीं हुआ तब तक मैं इस चीज की मैं आज से इस सिग्नेचर को साफ कर देता हूं कि मुझे इस मेरे जितने भी 1-2 भव बाकी है या 4 भव बाकी है मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं चाहिए दादा, मुझे हर पल आपका ज्ञान हाजिर है ऐसी मेरे को माल भरवा दो। ये मैं क्या मटेरियल लेके आया हूं। ऐसा बार बार हम सिग्नेचर को साफ करते रहते। जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न था कि कहीं ना कहीं व्यवहार में जैसे घर में या घर वालों के प्रति जो व्यवहार रहता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ी चालाकी और कपट है, क्योंकि हर चीज को तर्क वितर्क करने की आदत है, डिफेंस करना, प्रोटेक्ट करना खुद को। गलती पता चलती है, जागृति थोड़ी इतनी रहती है कि हाँ आज ये हुआ या आज ये गलत किया, तो ये इस जो अंदर जो है भरा वो भय है या कपट है उससे कैसे जर्नी बाहर निकाली जाए। हाँ बराबर, दादा बोलते है कि ये सबसे पहले तो कपट क्या है किसी को पकड़ में नहीं आता। अंदर मेरे कपट है या मेरे सामने वाले के साथ वो कपट कर रहा है वो तो पहले पता नहीं चलता, पर ये विज्ञान मिलने के बाद, ये समझ मिलने के बाद आपको ये पता चला, ये तो सबसे बड़ी विज्ञान की जीत है, नहीं तो ये पता भी नहीं चले। दादा बोले इतना घोर अंधकार जैसा नाम है कपट। अभी वो पता चलता है वो किसको क्यों पता चलता है, इसलिए दादा ने खास बोला हमारे महात्माओं को तो ये कपट और लोभ जो नॉर्मली जिसको ज्ञान नहीं है उसको तो पकड़ में ही नहीं आता है और मरते दम तक पकड़ में नहीं आएगा, पर ये विज्ञान मिलने के बाद आपको कपट हाथ में पकड़ में आया और पकड़ाता जाता है तो ये समझने का कि सबसे बड़ी दादा की कृपा हो गई है आपके ऊपर। बाकी पता भी नहीं चले कि कपट क्या होता है, पर अभी हमको सेफ साइड क्या रखने का है, क्योंकि दादा ने बोला था कि इन 2 चीजों की वजह से हमारा पूरा अंदर का सुख बंद हो जाता है, हमारा मोक्ष मार्ग रुकावट में आ जाता है, आज्ञा में नहीं रहते, तो इसलिए बोला कि 1 अवतार से लेके 15 अवतार तक भी खिंच जाएगा।
पर आप स्मारक पे है तो इतना तो सेफ साइड दादा ने कर दिया कि कुछ भी हो जाएगा तो भी 15 अवतार में आपको मोक्ष मिलेगा क्योंकि आप स्मारक पे चल पड़े। पर अभी हमको जल्दी जाना हो और जल्दी दादा के स्मारक में आगे बढ़ना हो तो जहां जहां भी कपट होता हो ना तो उसको उसके ऊपर वॉच रखने का कि देखो अभी इस जगह पे कपट बोला, अभी इस जगह पे मैंने झूठ बोला, अभी इस जगह पे मैंने चतुराई की। वो हमको पकड़ में तो आती है पर हम क्या करते हैं उसका उपराणा लेते हैं कि नहीं नहीं ये तो कपट नहीं है, ये तो मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, ये तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा प्रोटेक्ट करते हैं तो और वो अंधकार में हो जाते हैं। पर ये विज्ञान ऐसा है कि आपको अंधकार की तरफ नहीं लेके जाएगा, प्रकाश की तरफ ही लेके जाएगा। बट आपका निश्चय होना चाहिए। वो दादा ने क्यों बोला कि भाई ये क्रोध मान माया लोभ ये सबको अगर आप भूखा रखोगे तो कम से कम 3 साल भूखा रखोगे ना तभी वो आपका घर खाली करेंगे, ऐसा आपके घर में बैठ गए हैं। अभी दादा ने जिस दिन ये वाक्य बोला उस दिन पता चला कि ओहो ये क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कपट मोह हमारे घर में ये दुश्मन अंदर बैठे हुए हैं और हमको पता नहीं चलता है, और पता चलता है तो हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं तो और वो मोटे होते जाते हैं और उस घर में से निकलने का नाम ही नहीं लेते। तो अभी हमारे को क्या करना चाहिए कि आपको पकड़ में आ गया तो बस तो उसके ऊपर पूरा पुरुषार्थ शुरू कर देने का कि अभी मेरे को इन सबको घर में से बाहर निकालना है। और जिस दिन आपने ये निश्चय किया कि मुझे इन सबको घर में से बाहर निकालना है तो आपके पास सब प्रोटेक्शन आ जाएगा, सब आपके पास शक्ति प्रकट हो जाएगी, दादा की ब्लेसिंग हाजिर हो जाएगी क्योंकि आपने निश्चय किया। और एक चीज थी कि मैं आपको इसका बहुत बड़ा रहस्य बताता हूं कि जिस दिन आपका रहस्य ये निश्चय हो गया ना तो यू विल नॉट बिलीव कि आपके अंदर ऑटोमेटिक इतनी शक्ति प्रकट हो जाएगी तो जब तक वो भूत आपके घर में से गया नहीं तब तक वो आपको भी चैन नहीं पड़ने देगा। इतनी हमने दादा की देखी। हम मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम जब बहुत छोटे थे तो दादा ने हमको ये उस समय हमारा नया नया हमने ज्ञान लिया था, फिर थोड़े टाइम के बाद जब हमने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया तो उसके बाद उस समय भी हमारे पिछला हिसाब इतना भारी था कि वो हमको चैन से बैठने नहीं देता था। तो एक दिन दादा ने एक बहुत बड़ा रहस्य खुला किया कि अगर आपको ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना है तो जब तक आपका निश्चय पक्का नहीं होगा ना तब तक आप वो पालन नहीं कर पाओगे। बस ये साइंस इतनी पकड़ में आ गई। जिस दिन उस दिन सब आप्त पुत्रों को एक नया राह मिल गई कि सबसे बड़ा रहस्य क्या है, निश्चय। आपका निश्चय पक्का हो गया तो इस धरती पे कोई आपको हिला नहीं सकेगा। फिर आप चाहो ना कितने भी आपकी वीकनेस हो, कितने भी आपके अंदर के भूत हो, सबको आप निकाल के बाहर फेंक सकोगे क्योंकि आपका निश्चय हो गया। वो हमने बचपन में ये हमको रहस्य उस समय पता चला क्योंकि उसी निश्चय की वजह से आज सब आप्त पुत्र ब्रह्मचर्य का व्रत पालन कर सकते। अगर हमारे निश्चय में दादा बोले जरा भी, गुजराती में बोलते जरा भी डचू पचू थयू एटले गया काम थी, एटले डचू पचू काम नहीं चाले यहाँ। निश्चय चाले कि मारे मोक्ष जाऊ छे, मुझे मोक्ष में जाने का है, मुझे अभी जो राह मेरी नकी हुई है, अभी मेरा जो रास्ता नकी हुआ है कि मुझे ये डायरेक्शन में जाना है, तो वो आपका निश्चय पक्का हो गया तो उस मार्ग से आपको कोई भी हिला नहीं सकेगा और आपको सब संयोग ऐसे मिलेंगे कि उसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते जाओगे क्योंकि आपका निश्चय नकी हो गया कि मुझे कपट में से बाहर निकलना है, मुझे इसमें से बाहर निकलना है। पहले तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमको पकड़ में ही नहीं आता था कि ये कपट है, ये हमको पकड़ में ही नहीं आता था कि ये आड़ाई है, ये पकड़ में ही नहीं आता था कि हम असरल के रीत से पूरा जीवन निकाल रहे हैं। अभी तो पकड़ में आया है, तो पकड़ में आने के बाद सेकंड स्टेप है अभी निश्चय करो कि मुझे इसको घर में से बाहर निकालना। सही है, सही है। और ये बताने में सहयोग इनका भी है कि फाइल नंबर 2 दोनों ने ज्ञान लिया है ना, तो ये चीजें खुलती है। हाँ। कहीं ना कहीं ये चीज हेल्प करती है, तो ये यही से पता चलता है कि मैं यहाँ गलत हो रहा हूँ, तो कोशिश जारी है। हाँ, दादा ने बोला कि फाइल नंबर 2 इज योर बिगेस्ट थर्मामीटर, वो आपको आपको पार बना पार पहुंचा के ही छोड़ेगा, इसलिए उसका तो बहुत उपकार मानने का कि मेरा फाइल नंबर 2 मुझे साफ चेत करता है, तो समझ लेने का मेरा बहुत बड़ा उपकार है। वो सही बोलेगा, वो बोलेगा दादा ये दादा ने एक बार ये टॉपिक इसके लिए निकला था कि वो दादाजी के पास आके बहुत
प्रशंसा करता था, दादा मुझे बहुत ध्यान हाजिर हो गया है, अभी तो मेरे को घर में ऐसा होता है, अभी तो मेरे को वैसा होता है। तो दादाजी तो जानते थे, आर पार जानते थे, तो बोलते थे कि आपके फाइल नंबर 2 को बुलाओ। तो वो उनको बुलाया तो बोला कि दादा ये तो खाली बातें करता है ज्ञान में, हर एक बात में ज्ञान को बीच में लेके आता है, हर एक बात में अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए ज्ञान में। वो एक बार जोर से वाणी से बोल दिया और गुस्से हो गया, फिर बोलता है वाणी पढ़ने पराधीन है। तो दादा ये ज्ञान है इसका, वाणी पढ़ने पराधीन है, हर एक बात में ज्ञान का वो दुरुपयोग करता है। आप बोलती हो उसको बहुत ज्ञान हाजिर हो गया। तो दादा ने बोला कि तुम्हारा वाइफ भी, जिस दिन तुम्हारा वाइफ बोलेगा फाइल नंबर 2 बोलेगा कि इसको ज्ञान हाजिर हो गया है, उस दिन मैं एक्सेप्ट करूंगा, तब तक ये आपका थर्मामीटर है, वो उसका रोज टेम्परेचर देख लेने का कि मेरा टेम्परेचर ज्ञान का कितना आगे बढ़ा है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। पीयूष भाई आप भी क्वेश्चन पूछते रहता है तो नंबर फाइल को भी पूछना पड़ता है ना। वो इनडायरेक्टली आ जाता है। नहीं 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 ऐसे नहीं चल, इनडायरेक्टली तो नहीं चल। इनके फाइल नंबर 2 के लिए मैं बोल दूंगी तो ये बात करना बंद कर देंगे। ऐसा हो जाएगा क्योंकि मैं हर वक्त इनको वो करती हूँ। मैंने कहा बोलते तू नहीं बोलती है, तो मैंने कहा मेरा क्वेश्चन आपको लेके ही होगा, यदि आपको बुरा लगता नहीं है तो मैं पूछ पाऊंगी, अदरवाइज नहीं। तो कल ही मैंने बोला इनको, कल हमारा थोड़ा हो गया था इनके ऑफिस के काम की वजह से, तब मैंने इनको बोला, मैंने कहा ऑफिस का हमारे पे क्यों निकालते हो, तो भी इनको मतलब इतना अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ उसके बारे में। मैंने बोला कि उन्होंने ऐसे बोला कि हम पे मत निकालो, आपको परेशानी हो रही है काम से तो आपकी गलती है, आपने क्यों नहीं उस पे वो किया। तो ये पूरे दिन मुझसे लड़ा कल, पूरे दिन। मैं सबने कल सत्संग भी अलग अलग सुना है, हम साथ में नहीं बैठे। मैंने कहा आज को मैं आपकी शिकायत कर दूंगी तो मुझे मत बोलना कि तुम झिझकती हो, मैं झिझकती नहीं हूँ। बहुत अभी तो भी ऐसा होता है कि 5 दिन बहुत अच्छा गया था, पूरा हर वक्त रह रहा था कि हाँ मैं शुद्धात्मा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना है, पर कल पूरा निकल गया। मतलब मैं चाके भी नहीं रह पा रही थी इनकी वजह से कि क्यों। फिर दादा के ज्ञान के अकॉर्डिंग कि नहीं आपको बुरा लगा है, आपकी गलती है, ईज की नहीं है। तो ऐसे करके आज वापस मैं नॉर्मल हो गई। ऐसे एक विज्ञानी ऐसा है कि एकदम नॉर्मल बना देगा, और दोनों एक दूसरे के लिए थर्मामीटर है, दोनों एक दूसरे के लिए पूर्वक है, अपने को क्या करने के। ये दादा ने एक व्यवहार के लिए इतनी बड़ी चीज दी है कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, दुनिया के सब शास्त्र पढ़ने को मिलेंगे, सब लोग बोलेंगे ये करो, पर प्रैक्टिकली व्यवहार में कैसा जीवन जीना चाहिए दादा की साइंस से पता चला। हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे के साथ कैसा रहना चाहिए, माँ बाप को बच्चों के साथ कैसा रहना चाहिए, बच्चों को माँ बाप के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, हर एक को दादा अलग अलग ट्रेनिंग देते थे। कभी अचानक देखते थे कि आज उनका फाइल नंबर 2 नहीं आया है, तो उस दिन सब बातें उनकी ऐसी बता देते थे कि नेक्स्ट डे से जाके फाइल नंबर 2 के साथ ऐसा समाधान हो जाए कि वो हैरान हो जाते थे। और कभी कभी वाइफ आ जावे तो अगर वाइफ की कई गलती हो तो दादा उनको ऐसा समझा देते थे कि वो घर में जाके उसका वर्ताव चेंज हो जावे। तो मतलब दादा का प्रयत्न क्या था कि घर में सुख और शांति हो जाए, घर में एक दूसरे के साथ जीवन सफल हो जाए। किसी को बाकी आखा दिन बैठ के वो उनका पृथक्करण नहीं करते थे, कैसा समाधान हो ये उनका मेन हेतु था, कैसे एक दूसरे हमारे घर घर में सुख और शांति हो, घर घर में स्वर्ग हो, ये उनका दिन रात प्रयत्न था। इसके लिए दादा बोलते थे ना खटपटिया वितराग, वाइफ के साथ उनके उनकी वाइफ के साथ अलग खटपट करेंगे, हस्बैंड के साथ अलग खटपट करेंगे, ऐसा करके वो दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए इतना बड़ा भाव प्रकट करते थे कि वो दोनों को एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती थी। ये हम सब देखते थे दादा की हाजिरी में, ये हम सब देखते थे। मैं बोले दादा भगवान ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए इतना बड़ा नेगेटिव हो एक दूसरे के लिए, तो एकदम दोनों को पॉजिटिव बना देते थे। यशोवानी जी अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, पर देखो आपने बहुत अच्छा कि आपने भी बताया ना, तो अभी वो क्लेरिफाई हो गया कल की बात, तो ऐसे बात करने का है। हाँ जी बहुत भारी थी, मैं बहुत भारी थी आपकी वजह से, मैं बोल पाई, मैं बोल पाई थी। ऐसा मेरे को निकल गया तो आपने बताया तो बहुत अच्छा हो गया ना, थैंक यू। यहाँ तक था, रोज यहाँ तक होता है, बट आप निमित्त बने, धन्यवाद। द्वारकेश ये लास्ट क्वेश्चन है केशवानंद जी अपना। हाँ जी, जय सच्चिदानंद केशवानंद।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सर आपने बताया ये निश्चय अपना डचू पचू हो जाता है, तो इसमें कौन अंदर से यू नो प्ले करता है, और दूसरा ये मन का, मन की जो पोल होती है वो, उसके बारे में जरा बताइए कैसे। बरोबर। अभी अंदर में क्या है? यस इट्स सी। हेलो हेलो द्वारकेश। He went for his daughter. Sorry. वो बुला रहे थे इसलिए। अच्छा अच्छा। अभी वो जो दादा बोलते हैं ना कि अंदर के जो भूत है ना, वो ऐसे बड़े बैठे हुए हैं कि जो अपने को अपने राह पे लेके नहीं लेके जाने की वजह से हमारे अवरोधक बन जाते हैं। अभी वो हमको पता तो चलता है, पर हम उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी दादा ने बताया हो कि भाई इस तरह से चलने से ये सब चीजें, ये इससे से कपट होता है, ये आड़ाई होती है, ये आपका असहज रास्ता है, इस तरह से आप जाओगे तो इधर से आपको ये मार खानी पड़ेगी। अभी दादा ने हर एक जगह पे हमको सावचेत किया है, हर एक जगह पे हमको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि इस जगह से जाओगे तो आप इधर खड्डे में पड़ोगे। अभी उस समय फिर क्या है, अपने हमारे अंदर की मन की जो लालचे होती है ना, वो लालचे क्या होती है कि इससे ज्यादा सुख मिलेगा, इधर से जाऊंगा तो मेरा रास्ता इजी पड़ेगा। तो जो डिफिकल्ट रास्ता है, जो चढ़ने का रास्ता है, जहां पर हमको बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वहां पर वो हमारा फोर्स टूट जाता है और वहां से हम बार बार नीचे गिर जाते हैं। पर निश्चय वहां पर काम करता है कि मुझे ये सीमा पे पहुंचने का है, मुझे ये मंजिल पे पहुंचने का है, क्योंकि मुझे पता है कि जब इस स्टेप में मैं पहुंचूंगा तब मुझे पूरा केवल ज्ञान खुला होएगा, मेरा आत्मा का अनंत सुख खुला होएगा, मेरा परमानेंट, मेरा उसमें से मोक्ष के तरफ का रास्ता खुला हो जाएगा। वो एक जो समझ है, वो दादाजी बोलते हैं एक बार वो उसको फिक्स कर दिया माइंड में, फिर आपको कोई भी रास्ता हिला नहीं सकेगा। वो अपने को समझ है। दादा बार बार बोलते थे कि हम विचारशील लोग है। ये शब्द क्यों बोलते थे, विचारशील लोग है, क्योंकि विचारशील लोग होएगा वो घर में कभी भी कषाय नहीं होने देगा, विचारशील लोग होएगा वो कभी भी कपट नहीं होने देगा, कभी भी कषाय नहीं होने देगा। उसको पता है कि लोभ की वजह से मेरा पूरा मोक्ष अटक गया है, तो लोभ को निकालने की कोशिश करेगा। तो दादा ने तो पूरा रास्ता खुला कर दिया है, पर वो जो हमारा मन है ना, वो उसको, जो हमारी लालचे है ना अंदर, वो उसको बार बार उधर से उस राह से हटा देती है। और उसी जगह पे हमको उधर जंग लड़नी है, उधर हमको निश्चय पक्का करने का है, और उधर हमको हैंडल मारने का, जो दादा बोलते थे हैंडल मारू पर से। अभी ये जो हम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे मन क्या है, लपटू पड़ी, जैसे पची दादा कहता था एक मन का काया जो चले उसका सर्वस्व जाए, यानी आत्मा वात्मा बधू जतू रहे। मन तो एवं बोल से कि हमारा नथी करतो, हमारा तो मन ऐसा बोलेगा कि अभी तो चलो ने मैंने सो लेता हूँ, कल सुबह को करूंगा। ऐसा करते करते सब धीरे धीरे मन लपटू पड़ जाए, मतलब वो मतलब हेवाय हो जाता है। फिर वो फिर उसके बाद मन के कहे के हिसाब से चलता है, और फिर निश्चय विश्चय सब उड़ जाता है। अपने को क्या करने का है कि अभी हमको पता चल गया कि अभी मेरी सुबह हो गई है, अभी हम जाग गए हैं, तो अभी सोने का तो टाइम ही नहीं है। अभी हम सब आत्माओं को दादा भगवान ने जगा दिया है, उसके बाद हम बार बार सो जाए तो खोट किसको जाएगी, दादा को जाएगी कि हमको जाएगी? हमको जाएगी। तो हमको अभी जाग, हमको जगा दिया है दादा, तो अभी हमको सोना नहीं है। एक बार हम जाग गए हैं तो अब अभी सिंह के संतान है, अभी हमको जब तक हमारी मंजिल नहीं मिलती है, जब तक मेरे को केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है, दादा भगवान अभी हूँ काचो नथी पड़वा, अभी मैं नीचे नहीं पड़ने वाला हूँ, अभी मैं ढीला नहीं होने वाला हूँ। बराबर। उसको निश्चय बोला जाता है। फिर और एक बार निश्चय पक्का हो गया तो एक तो मेरा खुद का नहीं सबका अनुभव है महात्माओं का कि उसको कोई भी हिला नहीं सकता, इस धरती पे कोई नहीं हिला सकता। उस उल्टा देवी देवता और शासन देवी देवता आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आप जिस मार्ग पे चल रहे हो दादा भगवान का मार्ग है, दादा भगवान ने बताया हुआ मार्ग है, और जो दादा भगवान के मार्ग पे चल रहा है उधर उसको हर एक प्रकार का प्रोटेक्शन मिलेगा, देवी देवताओं का प्रोटेक्शन मिलेगा, दादा भगवान का प्रोटेक्शन मिलेगा, सिमंदर स्वामी का प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है द्वारकेश। जय सच्चिदानंद। अभी केशवानंद आपका एक्सपीरियंस का टाइम हो गया है, तो अभी बाद में आपका एक्सपीरियंस सुनेगा, बाद में मंत्र बुलाएगा। दीपक आनंद जी
अनम्यूट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पर्यटन का आज का सातवां दिन तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, पावरफुल रहा, जागृत रहा, और हम दादा भगवान की असीम कृपा की बात करें तो हमारे इस सत्संग की भूमिका पर, मंच पर कितने महात्मा ने अपने दिल खोल के अपनी बात की है। धन्य है दादा भगवान, धन्य है दादा भगवान का सत्संग, उनकी प्योरिटी, उसका कोई मोल नहीं दे सकते। लेकिन जब तक ऐसे खुले नहीं होते तब तक हमारे भीतर से जो कचरा पड़ा है, जो हमने बड़ा संभाल के रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा है लॉक एंड की में, उसका निराकरण कभी नहीं हो सकता है। तो हम तो यही बोलते हैं, डैडी मम्मी को थैंक्स बोलते हैं, तो दादा भगवान को थैंक्स तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जय सच्चिदानंद ऐसा करके बोल सकते हैं, और यही हमारे दिल का भाव है। जय सच्चिदानंद। अनुभव को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच जो आ रहे हैं वे उम्र में कम है, जीवन का बहुत उतार चढ़ाव देखा है, और देखते हैं उन्होंने दादा भगवान को कैसे समझा है, कैसे उनको अपने दिल में रखा है, उनका कैसे उपयोग किया है, और कैसे वे प्रसन्न रहते हैं। जय सच्चिदानंद। जिगीता बहन पधारिए। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आवाज संभळाय छे ने दीपक आनंद जी? यस यस यस। हाँ, जय सच्चिदानंद। श्री श्रीमंदर स्वामी ने नमस्कार करू छू। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने नमस्कार करू छू। सर्वे आप्त पुत्र ने मारा जय सच्चिदानंद। सर्वे महात्माओं ने मारा जय सच्चिदानंद। जिगीसा 2 वर्षनी हती त्यारे दादा भगवान ना दर्शन नो आशीर्वाद नो प्रत्यक्ष लाभ मळ्यो हतो एने। पछी 80 साल मा पछी धीमे धीमे, त्यारे तो हुं नानी हती, 2 वर्षनी हती, पण पप्पा ने मम्मी ए 80 साल मा दादा भगवान पासे ज्ञान लीधुं। એટલે ત્યારથી હું દાદા ભગવાનના પ્રત્યક્ષ દર્શનનો અને આશીર્વાદનો લાભ મને મળ્યો। પછીથી અગાડી વધતા વધતા પછી કોઈ પણ દાદા ભગવાન મળ્યા પછીથી કોઈ બી ગુરુ પૂર્ણિમા, જન્મ જયંતિ, કીર્તન ભક્તિ કોઈ અમે છોડી નહીં મળે, મમ્મી પપ્પા અમે ને મમ્મી પપ્પા કસે બી જાય દાદાના પ્રોગ્રામમાં, એટલે અમને 2 બહેનોને તો લઈને જ જતા। અમે 4 ભાઈ બહેન છે, તેમાં 3 બહેનો અને 1 ભાઈ, તેમાં અમને, મેં અને મારી નાની બેન છે, એને અમે, અમને કાયમ માટે અમને એ લોકો કોઈ બી દાદા ભગવાનના પ્રોગ્રામમાં જાય એટલે અમને લઈને જ જાય। અને હું આ વલસાડ કિલ્લા પારડી છે ત્યાં ગામ છે ગોઈમાં, ત્યાં રહું છું, એટલે ત્યાંથી અમારે જવાનું હોય તો તે ગામડામાં, એટલે તે ટાઈમમાં તો આખા દિવસમાં 2 કેવી બસ આવે, એટલે કિલ્લાડીમાં દાદા ભગવાન એવી ખબર પડે આવવાના છે એવી ખબર પડે, તરત જ પપ્પા અમને લોકોને તરત જ કહી, ને દુકાન છે અમારા લોકોની, દુકાન અને ઘર સાથે જ છે, પણ જેવો બધો માલ દુકાનનો બધો બહાર ગોઠવેલો હોય, જેવું હોય એવું બધું ત્યાં એવું જ મૂકીને અમે લોકો તરત જ જે બસ પહેલી મળે, 2 બસ આવે તેમાં જે મળે તેમાં ત્યાં નીકળી જતા હતા। કારણ કે આજની તારીખમાં બી અમારા ઘરે દુકાનમાં શટલ કે બાણના કે એવું કશું જ નથી, દુકાન પર ખાલી પ્લાસ્ટિકનો પડડો જ છે, અને પપ્પાનો ડાંગરનો બિઝનેસ, એટલે કેટલો બધો માલ બહાર એમ જ પડ્યો હોય, પણ તો બી કઈ નહીં, દાદાના ભરોસે બધું છોડીને આવી જતા હતા। પણ કોઈ દિવસ હજી સુધીમાં કઈ વસ્તુ ત્યાં હજી પણ નથી, બાણના સર્કલ પણ કઈ પણ વસ્તુ હજી સુધીમાં કઈ ગઈ નથી એમ એમ। ને ત્યાર પછી કોઈ બી દિવસ અમે લોકો દાદાની ગુરુ પૂર્ણિમા કે સત્સંગ કે કીર્તન ભક્તિ કઈ પણ અમે લોકો છોડ્યું નથી એમ। ને પછી જયારે દાદાનો દેહ વિલય થયો તે ટાઈમમાં છે, પપ્પા અને મમ્મી કે આપણે આપણે જ જઈશું, આ લોકોને નથી લઈ જવા છોકરાઓને એમ। તો મેં તે ટાઈમે જીત પકડી એમ કે મારે તો છેલ્લા દાદાના દર્શન કરવા માટે આવવું જ છે એમ, કે પપ્પા મમ્મી કે આ લોકોએ કોઈ દિવસ કોઈ વાતની જીત નથી કરી છોકરાઓએ એમ, ને આજે આટલી બધી જીત કરે છે તો હવે એને તો લઈ જ જવી પડે એમ। એટલે પછી ના બધાને ઘરે મૂક્યા આવ્યા, પણ મને ખાલી પપ્પા ને મમ્મી લઈને ગયા હતા છેલ્લા ટાઈમે દાદાના દેહી વિલયમાં। એટલે તે પણ મને દાદાના દર્શનનો લાભ મળ્યો, દાદાના દર્શન કર્યા પછી ના દાદાની પ્રદક્ષિણા ફરી બધું જ એમ। એટલે
એટલે મને તો દાદાના માટે આમ એટલું બધું છે ને કે આમ હું આજે બોલું છું ને તેવી મને નવાઈ લાગે છે કે કેવી રીતે બોલતી છું મેં એમ એમ. પછી જયારે 2000 સાલમાં મેં કામરેજ મંદિર પર દાદાના હોલમાં મેં જ્ઞાન લીધું હતું એમ. પછી મને પહેલાથી જ નાની હતી ને ત્યારથી જ મને દાદાની ભક્તિ માટે બહુ જ હતું એમ. તો નાના હતા ને તો અમે લોકો બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ દાદા ભગવાનનો નાનો ફોટો હતો અમારા ઘરે, તો સાંજે પરવારી જઈએ એટલે પછી અમે લોકો મેં અને મારી નાની બેન દાદા ભગવાનનો ફોટો સામે મૂકીએ નાનો, અને દાદા ભગવાનની આરતી સિમંદર સ્વામીની આરતી બધું અમે બે જણા રેગ્યુલર કરતા એમ રોજ જ એમ. એટલે પહેલાથી જ મને દાદાની ભક્તિ માટે બહુ જ હતું લગાવ એમ. ને હજી પણ મને એવી રીતના દાદાની ભક્તિનો એટલો બધો લાભ મળે છે ને કે કોઈ બી 24 કલાકની કીર્તન ભક્તિ હોય કામરેજ મંદિર પર તો મારે પહોંચી જ જવાનું. મારા ઘરે ગોઈમાંથી મને કામરેજ પહોંચતા 5 કલાક થાય એમ, વાયા વાયા કરીને 4 સાધનો બદલી બદલીને જાઉં, પણ મારે નક્કી નિશ્ચય પાક્કો કરેલો હોય કે જવાનું જ, તબિયત સારી નહીં હોય ને તો બી જતું જ રહેવાનું એક વખત એમ. એટલે કેટલી કીર્તન ભક્તિ એટન કરી હશે 24 કલાકની તે મને હજી યાદ નથી. કામરેજ ના હોય ને તો કેલનપુર હોય તો કેલનપુર નીકળી જવાનું, પણ જવાનું એ પાક્કું જ એમ. ને તબિયત ઘણી વખત તો સારી ના હોય ને તો મનમાં એવું હલે નહીં કે નથી જવું, ચાલો તબિયત નથી સારી એમ તો બેસી જા કે એવું કઈ નહીં, જવાનું એટલે જવાનું નિશ્ચય પાક્કો એમ. એટલે દાદા પછી સંજોગ બી મને એવા જ બધા ભેગા કરી આપે કે મારે જવાનું એટલે પછી ના નીકળી જ જવાય એમ. પછી ત્યાં કીર્તન ભક્તિમાં ગયા પછી બી 5 કલાકનો રન હોય તો કઈ આરામ કે એવું ના, પછી આખી રાત અમે ગરબા કરીએ કીર્તન ભક્તિ કરીએ, આખી નાઈટ નો ઉજાગરો હોય, સવારે 1-1.5 કલાક થોડુંક મેં રેસ્ટ લઉં, પછી ના પાછા કીર્તન ભક્તિમાં આવી જઈએ, ને પછી 5 કલાકનું પાછું મારે ટ્રાવેલિંગ કરીને મારા ઘરે ગોઈમાં આવવાનું. પણ કોઈ દિવસ મને આજ સુધીમાં એ કીર્તન ભક્તિનો દાદાના કોઈ બી પ્રોગ્રામનો મને થાક નથી લાગ્યો એમ. એવું પણ નહીં મળે કે ચાલો આજે 24 કલાકની કીર્તન ભક્તિનો ઉજાગરો છે તો ઘરે પહોંચાય એટલે ચાલો વહેલા સુઈ જવાનું, કારણ કે મને રવિ શનિ રવિ કીર્તન ભક્તિ હોય એટલે રવિવારે મને પહોંચતા જ 7-8 વાગી જાય. પણ એવું નહીં મળે કે ઉજાગરો છે એટલે વહેલું સુઈ જવાનું, ઉજાગરો જેવો થાક જેવું કશું લાગે જ નહીં એમ. એમ ઘરે જે રેગ્યુલર ટાઈમે દરરોજ સુતી હોમ ને એવી રીતના સુમ એમ. કોઈ આમ બાકી આ બીજા કોઈ વ્યવહારમાં આપણે ગયા હોય મેરેજમાં કે એમ, તો એટલો બધો થાક લાગે ને કે આમ થાય કે શું એમ, પણ આ એટલો આંતર ને કે આમ અંદરથી વસ્તુનો થાક કે કઈ લાગે જ નહીં મને એમ, એટલું બધું આમ એ રે એમ. પછી મને છે ને તે આમ સાયટિકા થઈ ગયો હતો પગમાં એમ, ને આમ અડધું અંગ આમ રહી જેવું ગયેલું આમ, બોલે તો આમ જૂઠું જેવું થઈ ગયું હતું એમ. એટલે તે એજ એક મહિનામાં 3 કીર્તન ભક્તિ હતી સળંગ એમ. ને સાયટિકા થઈ ગયો હતો તો ચાલવાનું બી મને પ્રોબ્લેમ થતો હતો, કેવી રીતે ચાલવું એમ, તો પણ સળંગ કીર્તન ભક્તિ હતી તો મેં ડોક્ટરની દવા કરી એક્સરસાઇઝ કરી પણ મને કઈ ફરક નહીં પડ્યો. પછી મેં નક્કી કર્યું કે હવે કશું કરવું નથી. પછી મેં નિમેશ આનંદજીને વાત કરી, એટલે નિમેશ આનંદજીએ દાદાને પ્રાર્થના કરી હશે, દાદાને પ્રાર્થના કરી નિમેશ આનંદજીએ પછી મેં 4 મહિના સુધી, મને તો ગરબા રમવાનો બહુ જ શોખ એમ, આખી રાત મેં ગરબા રમું જ એમ ટોટલી. પછી કેવું થયું કે 4 મહિના સુધી મેં કીર્તન ભક્તિ તો એટન કરી પણ મેં ગરબા ન રમતી હતી એમ. પછી નક્કી કર્યું દવા ને બધું ડોક્ટરની બધું બંધ કરી નાખ્યું, કશો ફરક નહીં પડતો બધું બંધ કરી નાખ્યું, દાદાને સોંપી દીધું. અને પછી ના નક્કી કર્યું કે હવે ગરબા રમવા છે ધીમે ધીમે કરતા. તો પછી ના 4 મહિના સુધી ગરબા નહીં રમી ને પછી ધીમે ધીમે કરતા ગરબા રમવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું તો મારે જે અડધું અંગ જે મારું જૂઠું થઈ ગયેલું હતું, સાયટિકા થઈ ગયેલો હતો, બધું મને સારું થઈ ગયું. દવાથી કે એમ કઈ સારું નહીં થયું, આનાથી જ મને સારું થઈ ગયું એમ. એમ પછીથી બી મને જયારે મને છે તે એક વખત મને થોડીક પેરેલાસિસની અસર થઈ ગયેલી તો આમ એકદમથી જ એમ તો મોડું બાપુ થઈ ગયેલું, બોલાય નહીં, એકદમ તોતડું બોલાય, તો આમ એટલી બધી રડું. પહેલો વિચાર તો મારા મગજમાં એ જ આવ્યો કે મેં દાદા ભગવાનની કીર્તન ભક્તિમાં મેં દાદા ભગવાનની કીર્તન ભક્તિ કેવી રીતે ગાઈશ એમ. પહેલો સવાલ જયારે મને આવ્યો ને તો મને એક જ વાતથી રડું આવી ગયું, એટલું બધું રડું આવી ગયું. તરત જ મને આવી અસર થઈ ગઈ પેરાલાસિસની, એટલે તરત જ મને લોકો દવાખાને લઈ ગયા. પછી ટ્રીટમેન્ટ આપી, પણ મને ઘરે આવ્યા પછી મને રડું જ આવ્યા કરે, એક જ વાતનું, બીજું કઈ મને વિચાર જ નહીં આવે. મને એમ થાય કે હું કીર્તન ભક્તિ કેવી રીતે ગાઈશ, કીર્તન ભક્તિ બોલીશ કઈ રીતે એમ. પછી મેં વિહારી આનંદજીને ફોન કર્યો કે બોલાતું તો હતું નહીં, તોતડું બોલાતું હતું. પછી મેં બિહારી આનંદજીને કીધું કે બિહારી આનંદજી મને છે ને તે આવી રીતના અસર થઈ ગઈ છે એમ, ને આવી રીતના તોતડું બોલાય, મોડું બી થોડું વાકું થઈ ગયું છે એમ. તો એમણે કીધું જરા ચિંતા નહીં કરતી એમ કે હું અવ્યાબાસ સ્વરૂપી છું એ બોલજે.
પછી હું નિર્વેદ એવો શુદ્ધાત્મા છું એવું બોલજે, તો સતત મેં અંદર થી એવું જ રાખ્યું કે હું નિર્વેદ એવો શુદ્ધાત્મા છું, વ્યાપી છું, શુદ્ધ છું, હું શક્તિ છું. આ તો બધું જિજ્ઞાસાને થાય છે એમ કરીને બધું જે અંદર થી મેં આવી રીતના રહી ને, તો તમે બિલીવ નહીં કરી શકો કે પછી બીજા દિવસે પાછું જયારે મારે ડોક્ટર ને બતાવવા જવાનું હતું તો હું ડોક્ટર પાસે ગઈ તો ડોક્ટર બી વિચારમાં પડી ગયા એમ કે આટલી જલ્દી રિકવરી કેવી રીતે આવી ગઈ, એમ માનવામાં જ નહીં આવે કે આટલી જલ્દી રિકવરી આવી શકે એમ. એવી રીતના એ લોકો ડોક્ટર બી વિચારમાં પડી ગયા પછી એમ. પછી તો હું બીજા જ અઠવાડિયે બીજા શનિ રવિ કીર્તન ભક્તિ હતી તો હું કીર્તન ભક્તિમાં પણ ગઈ, કીર્તન ભક્તિ ગવડાવી પણ. પછી બિહારી આનંદજીને મળી તો બિહારી આનંદજી કે જીગીસા કઈ લાગતું નથી એમ, કે તારું તો મોઢું ને બધું એકદમ બરોબર દેખાય છે એમ, કે જે વાકું થઈ ગયેલું બોલાતું નહીં હતું. મેં કીધું આ બધી દાદાની કૃપા છે, કારણ કે દાદાને સોંપી દીધેલું ને પહેલી વાત તો મને એ જ દુઃખ હતું, બીજા કોઈ વિચાર નહીં આવ્યા કે આ કીર્તન ભક્તિનો મને એટલું બધું છે ને કે કઈ બી મને પ્રોબ્લેમ આવે ને એટલે હું કીર્તન ભક્તિ ચાલુ જ કરી દઉં એમ. એવી રીતના એટલે આવી રીતના થયું. પછી બી મને શારીરિક પ્રોબ્લેમ તો મારા લાઈફમાં ઘણા બધા આવ્યા અને હિસાબો તો મને જણાય નહીં ને, ત્યારથી બધા ભારે ભારે જ હિસાબ આવ્યા છે. કોઈ બી દિવસ આમ બોલો કે એવું કોઈ આમ મેં જોયું નથી શાંતિનું કે સુખનું જેમ, પણ દાદાની કૃપા, દાદાના આશીર્વાદ, દાદાને જોડે રાખીને જ ચાલુ જે છે તે. દાદા તમે મારી જોડે રહેજો, તમે મારું રક્ષણ કરજો, બસ એમ દાદાને સોંપીને. એટલે દાદામાં તો એટલું બધું છે ને કે હિસાબ ભારે આવે છે તો બી દાદા મળ્યા છે, દાદાનું વિજ્ઞાન મળ્યું એટલે અંદરથી સરળતાથી નીકળી જઈ શકું છું આમ. અંદરથી બી એમ હલકું રહે, બહાર મોઢા પરથી બી કોઈને એવું ખબર નહીં પડે. ઘણા બધા મહાત્માઓ મારી ફ્રેન્ડ લોકો બી મને કહે કે તું બીમાર હોય પણ તારા મોઢા પરથી ખબર નહીં પડે એમ કે એમ. પણ દેખું એ મારું કઈ નથી, બધું જે કઈ છે ને તે દાદાની કૃપા છે મેં કીધું એમ. પછી બી જયારે મને કમળો થઈ ગયેલો ને તો બ્લડમાં કમળો થઈ ગયો હતો, પણ આમ નખ પીડા નહીં મળે, કોઈ ફેસ પીડો નહીં મળે, કશું નહીં, એટલે ખબર જ નહીં પડી. ખાલી શરીર મને દુખતું હતું એમ, ને થોડું પગમાં દુખાવો થતો હતો. પછી ના ડોક્ટર ને બતાવી ગયા તો ડોક્ટરે કીધું બ્લડ યુરિન બધા રિપોર્ટ કઢાવો. એટલે રિપોર્ટ કઢાવ્યો તો બ્લડમાં કમળો એટલો બધો વધી ગયેલો કે ડોક્ટર કે તમે આજે આ છોકરીને નહીં લાવતે ને, એ છોકરી તમારા હાથમાં નહીં રહેતી, બચશે જ નહીં એમ કે એમ કહી દીધું. એટલે બચવાના કોઈ ચાન્સીસ જ નહીં હતા એમ, એટલે ખબર જ નહીં પડી. એટલે પછી ગયા ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરી, આમ 5 દિવસ તો ગીન દવાખાનામાં રહ્યા, 13-14 મને બાટલા ચડાવ્યા. તો જે દિવસે ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરી પછી બીજા જ દિવસે મને એકદમ થી ગભરાટ થઈ ગયો, એકદમ તાવ આવી ગયો, શરીર ઠંડુ થઈ ગયું ને મને હવે એવું થઈ ગયું કે મારો જીવ જતો રહેવાનો. એટલે મમ્મીમાં બેઠેલા હતા. પછી મેં મમ્મીને કીધું કઈ નહીં મને આવું છે મેં કીધું. એટલે મમ્મી ડોક્ટર ને બોલાવે પણ મને મરી જવાની તો કઈ દીખ જ નથી જીવ જતો રહે. એટલે સતત મેં અંદરથી હું શુદ્ધાત્મા છું, હું શુદ્ધાત્મા છું, આ જે કઈ થાય છે જીગીસાને થાય છે, આ જે કઈ થાય છે જીગીસાને થાય છે. આંખ મીચીને ટોપી વાળા દાદા ભગવાન મારી સામે ઉભા રહેલા એમ, ને દાદાને સતત નિધિ વ્યસન આંખ મીચીને દાદા દેખાય, હું શુદ્ધાત્મા છું એમ. પછી થોડો વારમાં તો હજી ડોક્ટર આવે આવે ત્યાં સુધીમાં તો એટલું સરસ થઈ ગયું ને કે મને પોતાને સપનું જેવું લાગ્યું કે મેં કેવી રીતે નીકળી ગઈ એમ. એટલે એમાંથી પણ હું બહાર નીકળી ગયા આવી રીતે એમ. દાદાની જ કૃપા છે, દાદાના જ આશીર્વાદ છે એમ. પછીના ગિરનારની જાત્રા હતી તો ત્યારે ત્યાં જવાનું હતું. તો ગિરનારની જાત્રા પહેલા મને 2 મહિના પહેલા પગમાં ફ્રેક્ચર થઈ ગયું હતું એમ. તો મને થયું કે હું પછી ચાલી તો શકતી હતી પણ આમ દુખાવાનું એવું રહેતું હતું ફ્રેક્ચર થયેલું એટલે. તો હું જાત્રામાં તો ગઈ પણ મને એવું થયું કે ગિરનારનો આ પહાડ મેં ચડી શકીશ કે કેમ એમ. પછી મેં બધા આપ્તપુત્રના આશીર્વાદ લીધા ને પછી વાત કરી કે મને આવી રીતના થયું હતું અને હજી પણ મને દુખાવો થાય છે. પરેશ આનંદ, બિહારી આનંદજી, નિમેશ આનંદજી બધાના આશીર્વાદ લીધા. એ લોકો કે કઈ ચિંતા નહીં કરે કે તું ચડી જશે એમ કે એને દાદાને સોંપી દે એમ કે અમારા આશીર્વાદ છે તારી જોડે એમ કે એમ. ને પછી દાદાને યાદ કર્યા, પછી એ લોકોના આશીર્વાદ લીધા. મેં વિચાર કર્યું ચાલો દુખાવો થાય છે તો વિશેષ ના જવાય તો કઈ નહીં, ગિરનારમાં અંબા માતા મંદિર છે ત્યાં સુધી હું જઈશ એમ. પછી તો ધીમે ધીમે કરતા મેં આખો પહાડ ચડી આવી ને ચડી તો આવી, દુખાવો પણ નહીં થયો, ઉતરી પણ ગઈ. પછી રાતના જે ગરબા થયા તે ગરબા પણ રમી એમ. એટલે મને પોતાને નવાઈ લાગે છે કે આ બધી શક્તિ, આ બધી એ બધું દાદાની કૃપા જ છે. દાદા જ શક્તિ આપે, દાદા જ બળ આપે, દાદા જ હિંમત આપે, મારામાં તો કઈ જ નથી એમ. ને પછીના જયારે હરિદ્વારની જાત્રા મેં હરિદ્વારે જયારે કીર્તન ભક્તિ હતી ત્યારે અમે લોકો ત્યારે મેં હરિદ્વારની કીર્તન ભક્તિમાં ગઈ હતી. પછી 2-4 દિવસ ત્યાં રોકાવાનું હતું તો અમે લોકો બાપા સીતારામ આશ્રમમાં રોકાયા હતા, મેં અને મારી 2 ફ્રેન્ડ અને મારી ફ્રેન્ડના પપ્પા.
तो ત્યાંથી અમે લોકો બધે મંદિરે દર્શન કરવા ને એવી રીતે ફરવા ગયા હતા તો જ્યારે લાસ્ટ દિવસ અમે લોકો ત્યાંથી ફરવા નીકળ્યા તો પછીના ગાયત્રી મંદિર અમે ગયા હતા હરિદ્વારમાં છે તો ત્યાં ગયા અને પછી થોડી તબિયત મને વીક લાગી મારી કે તો મને એવું થયું કે હવે આજે લાસ્ટ આજે તો ટ્રેન પકડીને પાછું ઘરે જવાનું છે સંની ટ્રેન છે ને તબિયત વીક લાગી તો મેં કીધું મારી ફ્રેન્ડ લોકોને કીધું કે હવે હું તો બાપા સીતરમ આશ્રમ છે ત્યાં હવે હું જઈને રૂમ પર થોડો વાર આરામ કરું કારણ કે સાંજે આપણે પાછું ટ્રેનમાં જવાનું છે રિટર્ન પાછું ને તબિયત જરાક બરાબર લાગતી નથી એમ તો એ લોકોને કહીને હું નીકળી તો ગઈ પણ ગાયત્રી મંદિરથી બાપા સીતરમ આશ્રમ બહુ દૂર હતો એમ ને હવે હરિદ્વાર જેવા વિસ્તારમાં બધા સાધુ લોકોને એવા દેખાય વીક લાગે આપણે એકલા જવાનું એટલે મેં એ લોકોને કહી તો દીધું પણ ત્યાંથી નીકળતા નીકળતા ગેટ સુધી આવી ત્યાં મંદિરથી વીક લાગતી હતી કે શું થશે પછીના પાછી મેં જાતે જ વાત કરું આમ જીગીસા જોડે કે તું બીવે છે શું કામ એમ તારી જોડે દાદા છે ને સાના માટે બીવે છે ચાલ કઈ વાંધો નહીં આવે એટલે બહાર ગઈ રસ્તા પર આમ સાઈડ પર ઉભી રહી એટલે બે ત્રણ રિક્ષા ગઈ બધી ભરાઈને આવી હતી પછી એક રિક્ષા આવી એટલે હું દાદાને કીધેલું કે દાદા તમે મારી જોડે જ રહેજો મારું રક્ષણ કરજો એમ એટલે પછી હું બેસી ગઈ ને રિક્ષામાં એટલે હું બેઠી એટલે ટોપી વાળા દાદા ભગવાન મારી બાજુમાં આટલી અમથી જગા હતી તેમાં બેસી ગયા પછી મને દાદા ભગવાન એવું કીધું કે તું બાજુમાં જો એમ કે મેં તારી બાજુમાં જ બેઠેલો છે એમ કે તો મેં તો બાજુમાં જોયું તો સાક્ષાત દાદા ભગવાન ટોપી વાળા મારી બાજુમાં બેઠેલા હતા હા ને પછી દાદા ભગવાન મને બાપા સીતારામ આશ્રમ સુધી મને છોડી ગયા એમ એટલે એ બી મારો જબરદસ્ત અનુભવ છે એમ ને હમણાંનો લાઈવ અનુભવ કેમ તો એક વર્ષથી મને થોડોક લેડીઝ પ્રોબ્લેમ થતો હતો અને ડોક્ટરને બે ત્રણ ડોક્ટરને બતાવ્યું તો ડોક્ટર કે પેટમાં ગાંઠ છે એમ કે ને એ લોકોને બી કંઈ સમજાતું જ નહીં હતું ઓપરેશન કરવું પડે કોઈ ડોક્ટર કે આમ છે કોઈ ડોક્ટર કે આમ છે કંઈ સમજાય જ નહીં ઓપરેશન કરવું પડે એમ કે ને એટલું બધું પેઇન થતું હતું એમ તો બી કોઈ પ્રોગ્રામ તો કીર્તન ભક્તિ તો છોડી જ નહીં આટલું બધું થાય ને તો બી કીર્તન ભક્તિ આવે એટલે નીકળી જ જવાનું નિશ્ચય એમાં તો પાકો જરા બી કંઈ આમ તેમ કરવાનું જ નહીં એમ ને પપ્પા મમ્મી બી કોઈ દિવસ દાદાના પ્રોગ્રામ કે દાદાની ભક્તિ માટે મને ના નહીં પાડે એમ કે જા એમ કોઈ વખત એમ હોય તો મમ્મી બી હિંમત આપે કે ના જા કઈ નહીં એમ તું ને મને કદાચ આમ તેમ ઘરે હોમ ને તબિયત બગડેલી હોય ને તો હું કીર્તન ભક્તિમાં જાઉં એટલે સારી થઈ જાઉં કશું મારે કઈ ડોક્ટરની દવા કે એવું લેવું નહીં પડે એમ કીર્તન ભક્તિમાં જાઉં એટલે સારી થઈ જાઉં એમ એટલે જયારે મને આ થતું હતું તો બે ત્રણ ડોક્ટરને બતાવ્યું તો આવી રીતના ગાંઠ છે ને આવું છે ને આમ છે ને બતાવવું પડે ને ઓપરેશન કરવું પડે ને એવું બધી વાતો કરી પછી થોડીક આયુર્વેદિક દવા ચાલુ કરી તો તેનાથી થોડીક રિકવરી આવી પછીના જોઈએ આવી રિકવરી એનાથી પણ મને આવે તો નહીં જ હતી આયુર્વેદિક એટલે વાર લાગે દો આમ રિકવરી આવતા ને પછી તો મેં કીર્તન ભક્તિ ચાલુ કરી નાખી એક કલાક કીર્તન ભક્તિ બોલવાનું ચાલુ કરી નાખ્યું રોજ ને પછી તો લોકડાઉન થઈ ગયું તો એની મેં તે આજે પ્રોબ્લેમ આજે ચાર મહિનાથી એ પ્રોબ્લેમ કા ગયો મને કઈ ખબર નથી એ પ્રોબ્લેમ બી મને શું થઈ ગયો મને પેઇન પણ નથી થતું એ બધી દાદા કૃપા છે દાદાની કીર્તન ભક્તિ છે એની બધું કૃપા છે એમ મારે તો એ મારું કઈ છે જ નહીં આમાં એમ જીગીસા તો જે હોય ને એ દાદાને સોંપી દે ને જ્યારે ઘરમાંથી બહાર નીકળવાનું થાય કસે બી જવાનું હોય એ દાદાને કહી જ દઉં દાદાને પ્રાર્થના કરીને જ નીકળું કે દાદા તમે મારી જોડે રહેજો અને મારું રક્ષણ કરજો એવી રીતે એમ ને દાદા પારડી તો અવારનવાર આવતા જ હતા બોમ્બે જવાનું હોય તો બી દાદા પારડી આવે એટલે દાદાને કેવું કે અગાડી બોમ્બે જવાને તો કોઈ બી મહાત્મા અમે લોકો હાઈવે પર જતા રહીએ એટલે દાદાને અગાડી જવા જ નહીં દઈએ દાદાએ પાર્ટી હોલ્ડ કરવાનું જ એમ એવી રીતના એટલે દાદાના આશીર્વાદ તો મને ઘણા જ મળ્યા છે પછી જયારે આ થાળ લખાઈ હતી મારી ઝુંપડીએ પધાર્યા રે એ મારા મામાજીએ જ ગાઈ હતી દાદાની હાજરીમાં અમારા સમાજની પટેલ સમાજની વાડી હતી ને ત્યાં દાદાજીની દાદા ભગવાનની પધરામણી થઈ હતી તે ટાઈમે મારા મમ્મીના કાકા છે ને એમણે આ થાળ લખેલી હતી એટલે કૃષ્ણ ભગવાનની થાળ હતી ને તો પછી મારા મમ્મીના કાકાએ એવું કીધું મારા મામાજીને કે તમે આ થાળ છે ને તે હું આમાં શબ્દ દાદા ભગવાનના મૂકી દઉં છું ને થાળ તારે ગાવાની છે પંકજ એમ કીધું મારા મામાનું નામ પંકજ મામા છે એટલે પછી દાદા ભગવાન જયારે જમવા બેઠા હતા ત્યારે પાર્ટીમાં આવ્યા હતા ત્યારે મારા પંકજ મામાએ આ થાળ ત્યાં ગાઈ હતી ને પછી દાદા ભગવાનના આશીર્વાદ ખૂબ મામાજીને મળ્યા હતા ત્યારથી આ થાળ ગવાય છે એટલે દાદા ભગવાન પારડીને કિલ્લા પારડીને ગોકુળ્યું ગામ જ કહેતા હતા કે કિલ્લા પારડી ગોકુળ્યું ગામ જ છે કારણ કે કેવું હતું કે બધા આર્થિક રીતે બહુ નબળા એમ પણ બધાના ભાવ એટલા ઊંચા ને તો દાદા એમ જ કે આ ગોકુળ્યું ગામ જ છે એમ બધા આર્થિક પરિસ્થિતિ બરાબર નથી પણ બધા ભાવ તો જોવો એમ જ કહેતા હતા આવી રીતે
પછી હમણાં તો એક મહિનો પહેલા મને એક અનુભવ થયો કે થોડુંક આમ ઘરમાં એવો પ્રોબ્લેમ આવી ગયો હતો વ્યવહારિક રીતે, તો ખોટી રીતે આમ મારા પર આમ આવી ગયું, તો એટલું બધું મને દુઃખ થયું ને એટલું બધું રડી, એટલું બધું રડી રાતના પપ્પા મમ્મી જોડે જ હતા. પપ્પા મમ્મી કે રડે શું કામ, કઈ નહીં બધું સારું થઈ જશે એમ. એટલે પછી એટલું બધું રડવું આવ્યું, પછી ના વિચાર કર્યો કે જીગીસા શું કામ થઈ જાય છે તું એમ, અસર હે નહીં તને આટલી બધી થઈ ગઈ એમ, જીગીસા શા માટે થઈ જાય તું એમ. પછી જે આ સૂત્ર આવેલું હતું હમણાં કે ગમે તેવા દુઃખમાં દાદાનું મોડું યાદ રહે તો દુઃખ આવે જ નહીં, તો પછી રડતા રડતા મેં આંખ મીચીને દાદાને સામે નિધિ દર્શન કર્યું અને દાદા મને દેખાયા, તો પછી એકદમ અંદરથી શાંતિ થઈ ગઈ એમ, જાણે એ દુઃખ એ રડવાનું બધું ગાયબ જ થઈ ગયું એમ. પછી જયારે મારે કેવું થયું હતું કે મેરેજ થયા ને શોર્ટ પીરિયડમાં જ થોડા કેવા પ્રોબ્લેમ આવી ગયા હતા અને મતભેદ પડ્યો સાસરા વાળા જોડે, એટલે પછી મારે મારા મમ્મી પપ્પાને ત્યાં હું આવી ગઈ હતી, તો તે ટાઈમમાં મેં એટલી બધી આમ ડિપ્રેશનમાં આવી ગઈ હતી કે બસ આમ વાત જ પૂછો મત એમ, એટલું બધું મને ડિપ્રેશન આવી ગયું હતું. તો સતત મેં આપતા પુત્ર નિમેશ આનંદજી, બિહારી આનંદજી, મહેશ આનંદજી એ લોકોના સંપર્કમાં રહી, પછી એ લોકોએ મને કીધું, મેં તે ટાઈમમાં બી પ્રોગ્રામ જેટલા બી આવતા હતા એ હું એટેન્ડ કરતી જ હતી. પછી આપતા પુત્રને મેં વાત કરી તો કે તું એ લોકોને નિમિત્ત ઉપકારી કહેવાય એમ, એ લોકોને દોષિત ના જોતી એમ, એવી રીતના મને કીધું ને કે એ લોકોના બધાના તું ખૂબ પ્રતિક્રમણ કર. તો મેં એ લોકો બધાના ખૂબ પ્રતિક્રમણ કર્યા, તો પછી તે ટાઈમે પછી મને આજની ઘડી સુધી કોઈ દિવસ એ લોકો મને દોષિત દેખાતા નથી ને એ લોકો માટે મને હવે કોઈ જાતનો કોઈ દ્વેષભાવ રહ્યો જ નથી, કારણ કે મેં ખૂબ પ્રતિક્રમણ કર્યા ને એ વાક્ય મારી અંદર ફિટ થઈ ગયું કે નિમિત્ત ઉપકારી કહેવાય એમ. એટલે એટલા બધા પ્રતિક્રમણ કર્યા ને કે મને એ લોકો આજની ઘડીએ બી કોઈ મને એ લોકો દોષિત દેખાતા નથી કે દ્વેષભાવ મને એ લોકો માટે કંઈ પણ નથી, ને કોઈ મને આજની ઘડીએ એ વિષય એ બાબતમાં મને કોઈ વાત પણ પૂછે ને તો હું કેવી રીતના વાત કરું કે આ જીગીસાને કેવું પડે છે, આ લોકો મને કોઈ પૂછે છે તો આ જીગીસાને વાત કરવી પડે છે, એટલે આ જીગીસા વાત કરે છે, બાકી આમાંની સાઇન નથી, આમાંથી જીગીસા છૂટી ગઈ છે, જીગીસાને આ લોકો માટે કોઈ જાતનો દ્વેષભાવ નથી, દોષિત જોતી નથી એમ. એટલે આવી રીતે અંદરથી વાત કરીને જીગીસાને વાત કરવી પડે છે, કોઈ પૂછે છે, એટલા માટે આવી રીતના હું રહું છું એમ. દીપક આનંદજી તમારી આજ્ઞા હોય તો પદની બે લાઈન ગાઓ. ચોક્કસ ચોક્કસ ગાવાની. અમે કેવા પુણ્ય સાળી ભગવાનની ભૂમિકા આદે હે મે નિહાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી નાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. દાદા અમારા પરમેશ્વરને, દાદા અમારા પ્રાણ અનંત કાળથી ઉભા દાદા સ્વીકારો પ્રણામ. તસમયને માટે દાદા આવવાન, જો દાદા નહીં આવો તો મચી જશે તોફાન. દાદા દાદા કરતા મારા નીકળે અંતિમ પ્રાણ. અનંત કાળથી ઉભા દાદા સ્વીકારો પ્રણામ. જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે આપતા પુત્રો, સર્વે મહાત્મા, મારાથી આ અનુભવ બોલવામાં કઈ પણ ભૂલ થઈ હોય તો આ જીગીસાને ક્ષમા કરજો, ક્ષમા કરજો, ક્ષમા કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઇસકો ક્યા કહે, અબ સોંપ દિયા હૈ જીવન કો દાદા તુમ્હારે ચરણો મેં, સુચરણો મેં, જિન્હોને દાદા કા મુખ યાદ કિયા અપને જીવન કે સભી પહેલુ મેં, સભી પરિસ્થિતિઓ મેં, ઉન્હે કર્મ ભી ક્યા કરે, પરિસ્થિતિ ભી ક્યા કરે,
आपका विश्वास दादा में जो है वो अटूट है, सराहनीय है, इसके लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि आपका अनुभव ही बहुत स्पष्टता से बताता है कि आपने दादा को अपना जीवन बना दिया है। मैं तो ऐसा कह सकता हूँ कि आप सांसें जो लेते हैं वो शायद दादा की ही सांसें लेते हैं, क्योंकि ऐसी कोई परिस्थिति में, हाँ बोलिए बोलिए, હાલમાં ભી અત્યારે હાલમાં ભી વર્તમાનમાં ભી એટલા ભારે હિસાબો ચાલે છે ને, પણ અંદરથી આનંદ રહે છે ને હું એક જ એમાં અધ્યાયમાં જીવું છું કે હું કેટલી પુણ્યશાળી કે આટલા બધા દુઃખના હિસાબો આવે છે, આટલા બધા ભારે હિસાબ આવે છે, પણ મને દાદા ભગવાન મળ્યા એટલે આ જ આનંદથી એટલી બધી સારી રીતે જીવું છું અંદરથી, ભલે આમ બહારથી આમ ઓલું લાગે પણ અંદરથી તો મને એટલી શાંતિ વર્તાય કે એક જ અંદરથી નિશ્ચય ને અંદરથી એક જ વસ્તુ આવે કે જીગીસા તને દાદા મળ્યા કેટલી પુણ્યશાળી। બીજું કે મારો મારી પુણ્યા એટલી છે કે દાદાની ભક્તિનો મને હજી પણ બહુ સરસ લાભ મળે છે। આટલા દાદા મને મળ્યા બે વર્ષની હતી ત્યારથી દાદા ભગવાનને અમે દર્શન કર્યા ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં મને દાદા ભગવાનની ભક્તિનો સરસ એવો લાભ હજી પણ મળે છે। એટલે મારી પુણ્યા એમ ભલે બીજા બધા શારીરિક માનસિક આર્થિક દુઃખો આવે છે, પણ દાદાની ભક્તિ માટે કે દાદા માટે મેં જબરજસ્ત પુણ્યા લઈને આવેલી છું એમાં તો કોઈ બે મત નહીં મળે। आपका उदाहरण और दादा की भक्ति, दादा का विश्वास, वो सभी के लिए उत्तम प्रेरणा देने वाला है। बिल्कुल किसी भी प्रकार के कर्म को दादा पहुंच सकते हैं, इसका उदाहरण हमारे सामने प्रत्यक्ष है, कोई शब्द नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बताएं, शारीरिक परिस्थिति में, आर्थिक परिस्थिति में, सामाजिक परिस्थिति में, सभी जगह पर आपको दादा की सहाय मिली और दादा को आपने पकड़ के रखा, दादा के संपूर्ण विश्वास में रहे और कैसी कैसी, तो इसीलिए ये तो बात बड़ी स्पष्ट हो गई आपके जीवंत उदाहरण से कि जिन्होंने दादा का हाथ, तो दादा ने तो सभी का हाथ थामा है, लेकिन जिन्होंने आपके जैसे दादा का हाथ थामा है उनको तो दादा कैसे छोड़ सकते हैं। नमस्कार, इसके आगे और कुछ नहीं। सच्चिदानंद जी साहब, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, और आपको तीन कमेंट्स आया है, बहुत सुंदर, गूसबम्प्स सबको आ गया, गूसबम्प्स, I don't know how to express in Hindi. Excellent experience. So young and totally dedicated to Dada Bhagwan. So very good. Abhi, તમારો ખૂબ આભાર માનું છું કે આપ 4.5 મહિનાથી લોકડાઉન માં જે તમે અમને લાભ આપ્યો છે ને, તો અમે તો રેગ્યુલર સત્સંગ ને કીર્તન ભક્તિ માં જવા વાળી, એટલે આ લાભ જો મને નહીં મળેલો હોત તો કદાચ હું તો કદાચ ગાણિત થઈ ગયો હોત। એટલે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર રધી કાકા, દીપક આનંદજી, महात्मा ने जो दादा का अभी वर्णन किया, तो जब वर्णन कर रहे थे तो उस समय मुझे दादाजी की इतनी करुणा और इतनी महात्माओं के ऊपर दादा का अतिशय प्रेम, और एक एक महात्मा के लिए जो दादा तरसते हों, जैसे कि भई ये मेरा महात्मा है, ये मेरा है, वो सब मेरे को एक अचानक वो किस्सा याद आ गया, जो वो किस्सा कभी भी हमारे पूरे परिवार में या किसी के अंदर से वो जा ही नहीं सकता है। एक बार क्या हुआ था, जैसे हमारे घर में हमारे बड़े भाई थे कन्हैया भाई, तो उनकी उनको एक बार टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड ऐसा हो गया था कि 10-15 दिन से वो सत्संग में आ नहीं पा रहे थे, और दादाजी को ऑन द स्पॉट पता चल जाता था, क्योंकि जो रेगुलर महात्मा थे वो कोई भी एक दिन के लिए आगे पीछे हो जाए तो दादा को पता चल जाए। तो 4-5 दिन हो गए तो उन्होंने कन्हैया भाई को नहीं देखा, तो फिर अचानक पूछा कि भाई वो कन्हैया भाई दिखाई नहीं देते, तो किसी महात्मा ने बताया कि भाई उन दादाजी उनको क्या टाइफाइड हो गया है, तो वो इसके लिए आ नहीं सकते, तो डॉक्टर ने उसको एक महीने के लिए आराम करने को बोला है। तो
तो जा एम, तो फिर दादा ने खाली इतना ही बोला एम, एवं थे एमने। तो दो चार दिन के बाद अचानक दिन को क्या हुआ, 12-1 बजे, 1-1.5 बजे का टाइम था, तो दादाजी अचानक घर से निकले और प्रदीप भाई को बोला गाड़ी निकालो और गाड़ी निकालो नवजीवन ले लो। तो वो गाड़ी निकाला, नवजीवन लेने के लिए निकले तो हमारे आधे रास्ते पे वो कार बिगड़ गई। कार बिगड़ गई तो दादाजी ने उनको क्या बोला कि काम करो कि तुम इस गाड़ी को रिपेयर करके फिर आगे लेके आना, मेरे को रिक्शा करके दो। वो दादाजी को रिक्शा में बिठाया और वो प्रदीप भाई वो गाड़ी को गैरेज में लेके गए और दादाजी अकेले रिक्शा में बैठ के, दिन को 1-1.25 बजे का टाइम हुआ था, वो टाइम लेके सीधा नवजीवन पहुंचे। और नवजीवन पहुंचे और दरवाजे पे घंटी बजाई, टिंग टोंग, दरवाजा खुला तो हमारे मदर ने दरवाजा खोला तो वो मदर तो देख के वहां पर शॉक हो गए। वो बोले उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे दादाजी दिन को 1:30 बजे घर में कैसे आ सकते। और फिर वो उनको विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने क्या दादाजी को ऐसा हाथ पकड़ के देखा कि साक्षात कोई मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ कि दादा भगवान खुद आए। तो फिर बाहर देखा तो बाहर कोई दिखाई नहीं दिया, तो बाहर उधर से रिक्शा जा रही थी तो हम सब दौड़े घर में कि भाई वो रिक्शा में कैसे आए दादा भगवान, कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते कि कोई रिक्शा में आ सकता है। तो वो रिक्शा को बोला नहीं नहीं हमने भाड़ा दे दिया है, तो वो रिक्शा वाला भी भाड़ा लेके वहां से चला गया। तो सीधा रूम में आ गए, रूम में आए तो फिर सब दादाजी को कुछ भाई चाय या कुछ खाना ऐसा सब बंदोबस्त करने का शुरुआत किया। तो दादा ने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कन्या भाई कहाँ है? तो कन्या भाई पिछले रूम में सो रहे थे, वहां पर दूसरा मकान था, तो वहां से पसार किया, बोला मेरे को कन्या भाई के वहां पर लेके चलो, कन्या भाई के पास। वो सीधा दादा भगवान उधर गए रूम में, और कन्या भाई उस समय ऐसा आंख बंद करके दादा के विरह में, ऐसे जैसे कोई विरह में रोता हो ना, क्योंकि उनको दादा भगवान का दर्शन नहीं हो तो कोई चैन नहीं मिलता था, दादा के लिए उनको बहुत अतिशय राग, तो वो ऐसा आंखों में दादा के लिए ही तरस ही रहे थे। तो वो सीधा दादा भगवान उधर आके बैठ गए, कुर्सी पे बिठाया, और कन्या भाई की ऐसी आंख खुली तो कन्या भाई हैरान हो गए कि दादा भगवान कहाँ से आ गए। वो मैं जैसे उनको याद कर रहा था, उनको भी ऐसा लगा कि शायद दादा भगवान मेरे सपने में आए है। वो दादा खुला फिर बोला कि शू थी गयो छे? तो ये दादा बस एम टाइफाइड थी गयो छे, एटले डॉक्टर महीना माटे आराम करवा माटे कहू छे। तो के एम, तो पछी तने शू थाय छे? कि बस दादा मैंने आपनुं दर्शन थी गया, પણ એવું થયા કરે કે હું ક્યારે દાદાના સત્સંગમાં જઈશ? તો દાદાએ માથા પર હાથ મૂકીને કહ્યું કે કઈ નહીં ચિંતા કરી, જલ્દી તારા સત્સંગમાં આવશે। પણ ડોક્ટરે તો દાદાએ કહ્યું 1 મહિના માટે આરામ કરવાનું છે, ટાઇફોઇડ થઈ જાય। દાદાએ કહ્યું કઈ ચિંતા ના કરી, સત્સંગમાં આવશે। આ માથા પર ટપલી મારી, વિધિ કરી, અને ઇટ વોઝ અ મિરેકલ કે 3rd કે 4th દિવસે કન્યાબાઈની તબિયત એકદમ સારી થઈ ગઈ। જ્યાં ડોક્ટર એને મહિના માટે આરામ કરવાનું કહ્યું, 4th દિવસે કન્યાબાઈ સીધા સત્સંગમાં હાજર થઈ ગયા। तो आ दादा छे के दादाना विरह केवी रीते थाय छे, के आटला मोटा ब्रह्मांड के स्वामी पूरा घर छोड़ के रिक्शा में बैठ के कि हमारे भक्त का, हमारे जो महात्मा है उसका कैसे कल्याण करे, कैसे उसकी विधि करे ताकि वो उसमें से बाहर निकल के, जो से दादा को जैसे ही जो याद करते दादा उनके लिए कैसे दौड़ के हाजिर हो जाते। वो दादा बोलते है ना, जो मन थी याद करे, जो दिल थी तो दादा एनी सामे आंखों सामे हाजर थी जाए, ऐसा सबका अनुभव। एक एक महात्माओं के साथ बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए, पर ये अनुभव तो हमको कभी भूलता नहीं है कि दिन को परमात्मा खुद घर पे आके ऐसा विधि करके चले जाते थे कि मेरे महात्माओं को कहीं भी दुख नहीं हो, उनकी इतनी रक्षण करते थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप अभी श्रीमंत बोलाओ, चिकित्सा पृथ्वीबेन सूरज भाई आपके साथ फॉलो करेगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोहे सव साहुणम, नमो लोहे सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो,
पावप्पणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।